Good evening, all of you. First of all, I'm introduce about myself. Myself, Dr. Manish Dubey. My PhD funded from Indian Council of Medical Research, New Delhi. I am Senior Faculty of Zoology, Sarvottam Institute, Kota, and former Senior Faculty of Zoology, Akash Institute, Delhi, and GCI, Sikar. I am also author of chapters of four national and international books. My total publications, 22 research paper published in national and international journals. My total teaching experience, more than 12 years. During this period, more than 5,000 doctors under my mentorship. I will help you to develop crystal clear concept with best notes and example. TechNTUG with India's largest learning platform Unacademy. और इस platform पर आने के लिए बेटा आपको first of all क्या करना होगा? पता है आपको install करना होगा Unacademy learning app from Play Store. और install करने के बाद अगर आपको उसका plus subscription लेना है तो आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता है. क्या क्या प्रोवाइड कराता है सुनो. पहले आपको डेली लाइव क्लास प्रोवाइड कराता है बेटा. इसमें आप अपने एडुकेटर के साथ ठीक है अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, लाइव आंसर्स ले सकते हो. लाइव टेस्ट एंड क्विज प्रोवाइड कराता है जो आप जानते हो आपकी स्टडी के लिए टेस्ट के लिए. मैं बहुत फोकस करता हूँ इस वाले पॉइंट के ऊपर क्योंकि पढ़ाई के साथ जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तब तक समझ रहे हो आपकी स्टडी का इवेल्युएशन नहीं होगा. थ्योरिटिकल स्टडी नो डाउट कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है बट उन कंसेप्ट की एप्लीकेशन आप कब उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो जब आप टेस्ट एंड क्विज ज्वाइन करते हो. आप समझ रहे हो ना. यानी आपकी जो स्टडी है उसको सही उसके कंसेप्ट जो बात करते हैं वो तब क्लियर होते हैं जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तब सही माने में उसकी सही एप्लीकेशन होती है. ठीक है तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है लाइव टेस्ट एंड क्विज का. स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं बेटा और अनलिमिटेड एसेस मतलब जिस ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे बेटा उस ड्यूरेशन में आप किसी भी एडुकेटर का लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो प्लस प्लेटफॉर्म पर हो स्पेशल क्लास हो या यूट्यूब आप कहीं पर भी कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो. खाली बायोलॉजी ही नहीं कर सकते आप ऑल सब्जेक्ट ठीक है. उस ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है आप फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी यानी आप सारे सब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आप एलिजिबल हैं ठीक है. और अगर बेटा हम कॉस्ट की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा तो नहीं बट ध्यान रखना अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या 13 के हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन यानी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ठीक है. तो 1 ईयर का जो आपको पे करना होता है वो कितना 27,000 पे करना होता है ठीक है. और अगर बेटर रहेगा कि अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं बेटा ठीक है तो 11th के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि 2 ईयर होते हैं उनके पास 11th भी पढ़ना है 12th भी पढ़ना है तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है थोड़ा सा डिफरेंस है. तो यहाँ आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो बहुत बेटर रहेगा क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट पे करके आपको 1 ईयर एडिशनल मिल जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो 11th के स्टूडेंट के लिए 24 मंथ और 12th और 13th के स्टूडेंट के लिए बेटर रहेगा 1 ईयर का ठीक है नहीं 12 मंथ का. कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो MD001 आप कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है. हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन फिजियो हमारी यूनिट चल रही थी इसमें टॉपिक था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा फिनिश हो चुका है. ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने बेसिक करा दिया था कि व्हाट इज रेस्पिरेशन ठीक है. इट इज अ फिजियो केमिकल प्रोसेस फिजिकल भी समझाया केमिकल भी समझाया एकदम कंसेप्चुअल हमने क्लियर कर दिया था. एनसीईआरटी के सेकेंड पैरा में एक इवोल्यूशनरी स्टडी दे रखी है एनिमल्स की यानी ड्यूरिंग एवोल्यूशन या कह सकते हो कि लोअर से हायर एनिमल डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस आए ठीक है. तो वो हमने सब एकदम टेबल बना के क्लियर कर दिया आपको पूरी मैंने उसकी कहानी भी सुनाई आपको किस किस तरीके से क्या क्या चेंजेस होते चले गए. फाइनली हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया है आपको. भाई नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और एल्वियोलाई तक होता है. इस पूरे ट्रैक को हमने 2 जोन में डिवाइड किया था बेटा. नंबर 1 कंडक्टिंग जोन नंबर 2 रेस्पिरेटरी जोन ठीक है. तो
कंडक्टिंग जोन को भी मैंने एक्सप्लेन किया, उसके सारे फंक्शन एक्सप्लेन किए, वहां सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कहाँ तक होते हैं कहाँ नहीं होते, रेस्पिरेटरी जोन में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होते, एकदम क्लियर कर दिया। ठीक है, फाइनली मैं लंग्स को सेपरेटली क्लियर कर दिया, आपको एकदम अलग से समझा दिया लंग्स क्या होते हैं, उनके लोब्स क्या हैं, मैं फिशर यानी सेप्टम क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। ठीक है, लंग्स इस कैविटी में होते हैं उसको तो क्या बोलते हैं, सब एकदम क्लियर कर चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, फाइनली लास्ट की क्लास में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट कर दिया था, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट ही नहीं, हमने खत्म भी कर दिया था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमारा फिनिश हो चुका था। आज हम पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो पूरा फोकस करना। आज मैं जो वॉल्यूम और कैपेसिटी कराऊंगा वहां से एक क्वेश्चन आता है, पर मैकेनिज्म एक बार फास्टली मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि लास्ट क्लास का एक क्विक रिविजन तो मैं कराता हूँ, जिससे कि दिमाग में एकदम छोटे बच्चों को सेटअप अच्छे से बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है क्या। ब्रीदिंग का मतलब है एक्सटर्नल एयर का लंग्स में जाना और लंग्स की एयर का बाहर एटमोसफियर में रिलीज हो जाना, और एयर का मूवमेंट कहाँ से होता है, आप बोलोगे हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो एटमोस्फेरिक पार्शियल प्रेशर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट लंग्स जिस कैविटी में होते हैं थोरेसिक कैविटी, उसके पार्शियल प्रेशर को तो हम चेंज कर सकते हैं ना। तो बस उसके पार्शियल प्रेशर को चेंज करने के लिए उसके वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा, और वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए बेटा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स। इसमें हमने डायफ्राम मसल्स लिए, डायफ्राम को हम फ्रेनिक भी बोलते हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेनिक मसल्स, समझ रहे हो। ठीक है, ये भी स्केलेटल मसल्स हैं बेटा, और इंटरकॉस्टल मसल्स भी स्केलेटल मसल्स हैं। इंटरकॉस्टल मैंने समझाया भी था, दो कॉस्टल के बीच मिलने वाली मसल्स, डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया था मैंने, ये कॉस्टल है यानी रिब्स, रिब्स को हम क्या बोलते हैं कॉस्टल। तो ये रिब्स हैं दोनों की दोनों बेटा, इन रिब्स के बीच में क्या मिल रहे हैं आपको, टू टाइप के मसल देखने को मिल रहे हैं, एक बाहर की साइड बेटा है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और जो इनर साइड देख रहे हैं आपको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल। ठीक है, एक्चुअल में जब एमबीबीएस में पढ़ोगे आप तो यहाँ पर ब्रीथिंग में और भी डिफरेंट टाइप के मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंसेप्चुअल, जो आपके दिमाग में मुझे सेट करना है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कंसेप्चुअल, तो यहाँ दो मसल्स जो है बेटा, ये टू मसल्स मेजर रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो मैंने बताया था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है रिब केज अपर डायरेक्शन में मूव करता है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, समझ रहे हो, अब यानी रिब्स केज जहां था वहीं आ जाता है रिलैक्स पोजीशन में। तो मैंने बताया भी था कि बेटा जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है इनका इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग होता है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, इसका मैंने समझाया था आपको। जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का जो यूज है वो कब होता है, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। कल समझा दिया था मैंने आपको। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग में मैंने बोला था बेटा कि इनके दो स्टेप्स होते हैं भाई, नॉर्मल ब्रीथिंग में अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा इंस्पिरेशन। क्लियर था आपको, ये कल समझा दिया था हमने। और अगर ये रिलैक्स करेंगे बेटा तो क्या होगा भाई, रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इंटरनल एयर कहां आएगी, बाहर, इसको क्या बोलेंगे एक्सपायरेशन। ये कल हमने बहुत डिटेल में समझाया आपको, आज मैं क्विक रिवीजन कंसेप्चुअल बात बोल रहा हूँ बस। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर थी। फिर मैंने बोला था फोर्सफुल एक्सपायरेशन, भाई नॉर्मल ब्रीथिंग में तो इनका इन्वॉल्वमेंट है, पर जब फोर्सफुली एयर को बाहर करते हो तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक और बताए थे मैंने एब्डोमिनल मसल्स, इनका यूटिलाइजेशन होता है, यानी इंटरनल इंटरकोस्टल प्लस एब्डोमिनल मसल्स, तो कपालभाति में आपने देखा होगा कपालभाति करते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इन दोनों मसल्स की हेल्प से क्या होता है, इनके कॉन्ट्रैक्ट करने पर, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आप जानते हो फोर्सफुली एयर बाहर आती है, इसी को बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी ये वाली बात एकदम क्लियर थी, कंसेप्चुअल मैंने कल समझा दिया था बहुत डिटेल में, और मैंने ये भी बोला था बेटा कि जब ये मसल्स, समझना मेरी बात,
यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब केज ऊपर होता है पर साथ साथ में स्टर्नम भी लिफ्ट अप होता है, स्टर्नम की लिफ्ट अप, दोनों लिफ्ट अप होते हैं एनसीआरटी की लाइन है। मैकेनिज्म को समझाने के लिए कल मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिए थे, एक बकेट का एग्जाम्पल लिया था और इसको मैंने रिब से कंपाइल किया था। तो मैंने समझाया था बेटा कि मान लो ये स्टर्नम है, रफली समझा रहा हूँ ठीक है, कल मैं समझा चुका हूँ, और ये डायफ्राम था। मैंने समझाया भी था बेटा कि डायफ्राम डॉम शेप होता है, रिलैक्स कंडीशन में डायफ्राम कैसा होता है, डॉम शेप, डॉम मतलब होता है गुम्बद जैसा ठीक है, और ये मानो थोड़ा से केज है पूरा का पूरा। मैंने कल समझाया भी था ये क्या होते हैं, रिब्स, रिब्स अटैच थे इससे। तो बोला था मैंने जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, समझ रहे हो। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टर्नम भी लिफ्ट अप होगा और रिब्स भी लिफ्ट अप होंगे, और स्टर्नम और रिब लिफ्ट अप होते हैं तो वॉल्यूम अप इंक्रीज इस तरीके से होगा। कल समझाया था मैंने बहुत अच्छे से। तो मैंने बोला था बेटा जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, और रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप करते हैं तो वॉल्यूम इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया था बच्चों के कि भाई ये ऊपर एंटीरियर है तो नीचे पोस्टीरियर है, यानी डायफ्राम के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम किस एक्सिस में इंक्रीज होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ये तो कल क्लियर था आपको। फिर कल मैंने ये भी बताया था आपको बेटा कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स कहाँ आते हैं, लिफ्ट अप होते हैं, तब किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो आपको बोलना है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। कल समझा दिया था मैंने बहुत अच्छे से, पूरा डिटेल डायग्राम बना के समझाया कल मैंने। बस आज तो मैं मेन पॉइंट इसको बस फोकस कर रहा हूँ, मेन पॉइंट ठीक है, जो बच्चे गड़बड़ करते हैं ठीक है। एक्सिस वाला पॉइंट है कि किस एक्सिस में। अब डॉर्सो वेंट्रल समझाने के लिए कल मैंने बकेट का एग्जांपल लिया था, मैंने बोला था बकेट का मानो ऊपर वाला पार्ट एंटीरियर हो गया तो नीचे वाला क्या हो गया, पोस्टीरियर ठीक है। अब समझना ये अपर और नीचे की बात कर रहे हैं, वेंट्रल क्या होता है, आगे वाला वेंट्रल है और पीछे वाला डॉर्सल है। तो इसमें जो दो ये लगे हैं हुक लाइक स्ट्रक्चर जिनमें इसका हैंडल फंसा हुआ होता है बेटा, तो हैंडल में भाई कहां पर, एक तो लगा हुआ है वेंट्रल साइड में और एक कहां लगा हुआ है, डॉर्सल साइड में। तो एक्चुअल में जब हैंडल को उठाओगे बेटा, ये हैंडल ऐसे इसको ऊपर उठाओगे, तो हैंडल जब ऊपर उठेगा तो यहां से ये ऊपर आ गया, तो हैंडल के ऊपर उठने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, हैंडल ऊपर होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आप समझ रहे हो। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स किस डायरेक्शन में वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, आप देखो कि रिब्स कहां जुड़े हुए हैं, आप बोलोगे सर एक रिब्स यानी एक साइड जुड़ा हुआ है वेंट्रल और दूसरी साइड जुड़ा हुआ है डॉर्सल, तो रिब्स के लिफ्ट अप होने पर वॉल्यूम किस एक्सिस में इंक्रीज होगा, आप बोलोगे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो बस ये ध्यान रखना है आपको जब ठीक है इंटरकोस्टल स्पेशली कौन से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, और जब डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो आपको एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। जब दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर घटता है बाहर की एयर अंदर ठीक है, और जब दोनों मसल्स रिलैक्स करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग तो क्या होगा, रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, इंटरनल एयर बाहर, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। तो यहां तक मुझे लगता नहीं है किसी को कोई डाउट है, यहां तक एकदम क्लियर कट होना चाहिए ठीक है। फाइनली मैंने इन तीनों मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से अलग अलग सेपरेटली भी समझाया था कि इंस्पिरेशन में एक बार क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है ठीक है, तभी तो कहते हैं जितना क्वेश्चंस लगाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही कंसेप्ट क्लियर होंगे, और मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद आप प्रैक्टिस करो और आप चेक करो कि कितने कंसेप्ट आपके क्लियर हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। जो मैं दावा करता हूं कि मैक्सिमम बच्चा अगर फोकस कर रहा है तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैक्सिमम क्या 99% सॉल्व होंगे ठीक है, 1% क्योंकि बच्चा है जब तक प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं करेगा तब तक उसका 1% फिल नहीं होगा। तो ध्यान रखना इंस्पिरेशन में सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म बताया था मैंने, किसका कॉन्ट्रैक्शन था, डायफ्राम मसल्स का, डायफ्राम मसल्स क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, जब डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इंक्रीज वॉल्यूम, आप बोलोगे किस एक्सिस में बढ़ रहा है वॉल्यूम, आप बोलोगे डायफ्राम के मसल से कॉन्टेक्ट करने पर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। यानी यहां तक तो किसी को भी डाउट नहीं था ठीक है, ये स्टेप की बात कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, मैंने बताया था डायफ्राम मसल्स के बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटा।
बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो किस वॉल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन, अब बोलोगे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ये भी कल समझा चुका हूं मैं, बस मैं क्विकली आप कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है। तो दोनों वॉल्यूम बढ़ने से बेटा एंटीरियो पोस्टीरियर और डॉर्सो वेंट्रल क्या होता है, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंक्रीज टोटल थोरेसिक वॉल्यूम। टोटल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा बेटा तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। भाई वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, मतलब प्रेशर रिड्यूस होगा, पॉजिटिव प्रेशर। अब कंफ्यूजन यहां बच्चों को आता है, तो इसके बाद क्या होगा, आप बोलोगे डिक्रीज पॉजिटिव प्रेशर, बट अगर आपसे नेगेटिव प्रेशर पूछेगा तो क्या होगा, आप पॉजिटिव में रिड्यूस हो रहे हो, मतलब नेगेटिव में इंक्रीज हो रहे हो, ठीक है। तो इंक्रीज हो जाएगा बेटा नेगेटिव प्रेशर, बस ये वाली बात ध्यान रखनी, पॉजिटिव में रिड्यूस मतलब नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। जब प्रेशर घटेगा अंदर तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल एयर कहाँ आएगी, आप बोलोगे लंग्स में आएगी, इसी को क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एनसीईआरटी का डायग्राम भी आता है, मैंने बोला भी था कि यहां पर जब जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिप्स और स्टर्नम, ठीक है, राइज लिफ्ट अप हो रहे हैं, जो एरो दिखा रहा है ना, ये क्या करा रहा है, इसको लिफ्ट अप को दिखा रहा है, ठीक है। और डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायफ्राम नॉर्मल शेप, नॉर्मल स्टेप, जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो तो कैसा होता है, डोम शेप, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट। भाई ये नॉर्मल कंडीशन है, डोम शेप, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम बिकम फ्लैट, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन बोथ एक्सेस, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा अंदर, डिक्रीज। और प्रेशर डिक्रीज होगा तो मूवमेंट कहाँ होगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, और एटमोस्फेयर की एयर कहाँ आ जाएगी बेटा, लंग्स में, इसी को बोलते हैं इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में कुछ भी नहीं करना है, इसी का अपोज कर दो, अपोज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की जगह क्या करा दो आप, रिलैक्स, समझना। यहां इंक्रीज किया था, अब मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसी में समझा देता हूं, कल का टॉपिक है इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूं उसको, तो कुछ भी नहीं करना आपको, कॉन्ट्रैक्ट किए क्या करना है, रिलैक्स। जब रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज किया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर दोगे, रिलैक्स, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आप समझ रहे हो ना, यानी अपोजिट होता जा रहा है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो टोटल थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो पॉजिटिव प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बट नेगेटिव प्रेशर क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अपोजिट होता जा रहा है, सब कुछ अपोजिट होता जा रहा है, तो जो एयर इन हुई थी अब वो एयर क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, मतलब एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में ध्यान रखना, ये एक्टिव प्रोसेस हो गई। एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, एक्टिव से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एनर्जी यूज करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो एनर्जी यूज नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू इस मैकेनिज्म, ठीक है। तो इंस्पिरेशन एक्टिव मैकेनिज्म हो गई, एक्सपायरेशन पैसिव मैकेनिज्म हो गई, ठीक है। यहां दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्सपायरेशन में दोनों ही मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, मसल्स रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा बेटा, मसल्स के रिलैक्स करने में रिप्स और स्टर्नम अपनी इनिशियल पोजिशन पर आ जाएंगे, नीचे आ रहे हैं, एरो दिखा रहा है, डायफ्राम वापस डोम शेप में हो जाएगा, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा और इंटरनल एयर कहां जाएगी, बाहर जाएगी, इसी को बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एकदम क्लियर था, फिर मैंने लास्ट में बताया था फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं, सर आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन तो बताया पर फोर्सफुल इंस्पायरेशन नहीं बताया। अब सुनो बेटा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और नॉर्मल इंस्पायरेशन एक ही मैकेनिज्म समझो, यानी एक ही मैकेनिज्म का मतलब है दोनों ही मैकेनिज्म में सेम टाइप के मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम या फ्रेनिक मसल्स, कॉमन हो गया। जब इनको कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो नॉर्मल इंस्पिरेशन होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो थोड़ा और ज्यादा इंस्पिरेशन हो जाएगा, इसको फोर्सफुल इंस्पिरेशन बोल देंगे। पर एक्सपायरेशन पैसिव मैकेनिज्म है और फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि यहां मसल्स ही चेंज हो जाएंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन में या फोर्स्ड एक्सपायरेशन में, क्योंकि यहां पर कौन से मसल्स यूज होंगे, एक तो नंबर वन बताया था मैंने इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और कौन से होंगे बेटा, एब्डोमिनल मसल्स, कपाल भाती का एग्जाम्पल दिया था मैंने, एब्डोमिनल
मसल्स। जब ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तब क्या होगा, इनके कॉन्ट्रैक्ट करने पर वॉल्यूम नॉर्मल से भी ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम, जब वॉल्यूम नॉर्मल से भी कम होगा, तेजी से वॉल्यूम कम होगा तो एयर तेजी से बाहर निकलेगी, इसी को बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी जब हम फोर्सफुल या फोर्स एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो मसल्स चेंज हो जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में इन एंड आउट में जो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स, ठीक है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में भी यही मसल्स यूज हो रहे हैं, बट फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर मसल्स चेंज हो रहे हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। यहां तक मुझे लगता नहीं है किसी को कोई डाउट होना चाहिए, ये कल मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने डायग्रामेटिकली भी बताया था और फोर्सफुल एक्सपायरेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था मैंने, कपालभाति, ठीक है। जब बाबा रामदेव कपालभाति कराते हैं तो पेट जो हमारे बैली के मसल्स होते हैं, इनको एब्डोमिनल मसल्स बोलते हैं, इनके स्ट्रोक देते हैं अंदर। जब स्ट्रोक दे रहे हैं तो क्या होगा, तेजी से एयर कहाँ आ रही है, बाहर निकल रही है। जैसे मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, इससे समझ सकते हो। ये आपने स्ट्रोक दिया, स्ट्रोक देने से क्या हुआ, एयर तेजी से बाहर आ रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात। इस डायग्राम को छोड़ दो, तो यहां ध्यान दो इस वाले डायग्राम पर, तो क्या रहा, तेजी से एयर बाहर आ रही है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने पर। तो तेजी से एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराओगे और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज करोगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम नॉर्मल से भी कम हो जाएगा और तेजी से फोर्सफुली एयर का क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन, इसी को बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो बस कंसेप्चुअल अगर बात की जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम रिड्यूस प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर रिड्यूस, बस यही खेल है। और इन एंड आउट एयर का यही इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन है। मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ध्यान रखना है नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम यानी फ्रीडिंग मसल्स, नॉर्मल इन एंड आउट यानी इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, बट फोर्सफुल एक्सप्रेशन के अंदर आपको मसल्स चेंज करने हैं इंटरनल इंटरकोस्टल और एबिडोमिनल मसल्स। मुझे लगता नहीं है कहीं कोई डाउट होगा, कि लास्ट क्लास में हमने डाउट सारे क्लियर कर दिए थे। अच्छा, प्रेशर भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, बट इसमें बच्चे पूछते हैं दोबारा, मुझे पता है ये थोड़ी सी और कंसेप्चुअल बात हो गई, ठीक है। अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो समझने की कोशिश करना, सबसे पहले मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में समझाया था, जब मैंने एनाटॉमी समझाई थी इसकी लंग्स की, तो मैंने बताया लंग्स हमारे एक एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है, आप जानते ही हो, ये समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। लेटर साइड में क्या होते हैं, आप जानते हो, रिब लगे होते हैं और ये सब इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इनसे मिलने से एक चैम्बर बनता है, इसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। फिर मैंने बोला था बेटा कि एक्चुअल में लंग्स की दो लेयर होते हैं, एक तो पराइटल प्लीरॉन, इसको मान लो ये ऊपर वाली लेयर है, क्या है, पराइटल, पराइटल प्लीरॉन, और जो लंग से अटैच है इसको क्या बोलेंगे, विसरल प्लीरॉन, समझना मेरी बात, इसको क्या बोलेंगे, विसरल प्लीरॉन। और दोनों के बीच में क्या क्या होगा, आप बोलोगे प्लूरल कैविटी होगी, जिसमें क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड। ये सब समझा चुका था मैं आपको एनाटॉमी में। अब समझना आपको ये है कि यहां दो टाइप की कैविटी है, एक तो लंग्स वाली कैविटी है जिसमें लंग्स हैं, समझ रहे हो, उसको हम प्लूरल कैविटी बोलेंगे, समझना मेरी बात, सॉरी पल्मोनरी कैविटी बोलेंगे, और एक प्लूरल मेम्ब्रेन के मिलने से कैविटी बन रही है इसको प्लूरल कैविटी बोलेंगे, आप समझना। यानी पल्मोनरी मतलब लंग्स, जो लंग्स के अंदर है बेटा ये पल्मोनरी कैविटी हो गई, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो दिख रहा है आपको ये प्लूरल कैविटी हो गई। दोनों कैविटी का अपना अलग अलग क्या है, प्रेशर है, कैसे मेंटेन हुआ, कल मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था आपको, समझने की कोशिश करना। जब बेबी का बर्थ होता है तो लंग्स कोलैप्स होते हैं, अंदर प्रेशर नहीं होता, अंदर एयर नहीं होती, और बर्थ होते ही मैंने बताया था जो लंग्स की वॉल है उसमें कूलिंग फोर्स जनरेट होता है। आप ही मान लो किसी भी चीज को आप एकदम खींच रहे हो, उसको खींचने से अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, और खींचने से आपने एक प्रेशर डाला, उस प्रेशर से क्या हुआ, अंदर क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, और वो क्या काम करेगा, एडिशनल एयर को कहाँ लेके आएगा, बाहर से अंदर लेके आएगा। तो अंदर कब तक एयर आएगी, जब तक कि दोनों का प्रेशर सिमिलर ना हो जाए। तो मैंने कल समझाया था आपको, फिर से समझा देता हूँ एक बार और, ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, मैं इसको यूज करता हूँ अक्सर कर,
तो मैंने बोला था बेटा मान लो, क्योंकि सिरिंच या पंप बच्चे अक्सर कर यूज करते हैं, ये मानो सिरिंच है, अभी पिस्टन पूरा का पूरा कहाँ है, बिल्कुल अटैच है, मतलब अंदर स्पेस नहीं है अभी इसके अंदर, समझने की कोशिश करना, इसका पिस्टन है। ठीक है, अब क्या होगा ये समझ लो, बर्थ से पहले की कंडीशन है। अब बर्थ होते ही क्या होगा, बर्थ होते ही कोशिश करना समझने की, ये पिस्टन पीछे आएगा, ये यहां आ गया, ये रबड़ है, ठीक है, यानी यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव प्रेशर, अभी बंद है, मान लो ये क्लोज है आगे, ठीक है ये क्लोज है अभी, ठीक है, तो ये अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा। अब क्या होगा, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो बाहर की एयर कहां एंटर करेगी, अंदर, भाई बाहर एयर का प्रेशर कितना था 760, तो अंदर कब तक एयर एंटर करेगी, जब तक ये अंदर भी प्रेशर कितना ना हो जाए 760, ये क्लियर था बिल्कुल। तो एक्चुअल में जो पिस्टन की, ये पिस्टन है, ये यहां पर आप कह सकते हो, ये क्या है, आप बोल सकते हो प्लूरल मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, या वॉल ऑफ लंग्स, ठीक है, और ये क्या हो गया, आप बोलोगे कैविटी ऑफ लंग्स, कैविटी ऑफ लंग्स, या लंग्स के अंदर का थोड़ा सा कैविटी का इंटरनल वाला पार्ट, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा, पिस्टन पीछे खींचा मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन में पुलिंग फोर्स जनरेट हुआ, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या आया हुआ भी है कहीं, जो नेगेटिव प्रेशर होता है लंग्स में उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पुलिंग फोर्स, ठीक है, पुलिंग फोर्स ऑफ थोरेसिक वॉल या प्लूरल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, ठीक है, इसमें जो खींचने वाला फोर्स जनरेट होता है बेटा, जो अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमोस्फेरिक एयर एंटर कर जाती है लंग्स में और ऑलवेज मेंटेन रहती है। आप देखो, आप समझने की कोशिश करना, बर्थ होते ही ये प्रेशर अब मेंटेन रहेगा, इसको रेजिडुअल प्रेशर बोलते हैं या रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, मानो नेचर ने यहाँ पर स्टॉपर लगा दिया, यानी इतना तो अब रहेगा ही रहेगा, अब ये इतना तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा। ये प्रेशर कितना होता है, -4 mm Hg, ये ऑलवेज मेंटेन रहता है। अब इस प्रेशर को मेंटेन कर कौन रहा है, आप बोलोगे ये पिस्टन कर रहा है, पिस्टन का मतलब है, आप बोल सकते हो वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन करना है तो कैसे होगा, इस पिस्टन को आप पीछे लेके आओगे, यानी यहां तक लेके आए पिस्टन को, आप पीछे लेके आए, जब पीछे लेके आए तो और नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, आप समझना मेरी बात, पीछे लेके आओगे तो और नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, -4 से कितना हो गया, आप बोलोगे -6 mm Hg हो गया, समझना, जब -4 से -6 mm Hg प्रेशर हो गया, किसका, प्लूरल मेम्ब्रेन का, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ये नॉर्मल कंडीशन में ये था, जब आप पीछे लेके जाओगे तो प्रेशर माइनस में और बढ़ जाएगा, तो बाहर की एयर कहाँ आ जाएगी, अंदर और आ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। फिर इस पंप इसको वापस कहाँ लेके आओगे, जहां था वहीं लेके जाओगे, जब जहां था वहीं लेके जाओगे तो वापस कहाँ प्रेशर ले गए आप, इसको -4 पर ले गए, तो -4 पर ले गए तो क्या होगा, एयर बाहर चली जाएगी, तो इस प्लूरल इंट्रा प्लूरल प्रेशर में चेंज होने से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी चेंज होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो नॉर्मल से कहाँ आएगा, जब पीछे खींचोगे तो माइनस में, समझ रहे हो, और जब आगे करोगे तो फिर प्लस में, तो माइनस प्लस जो चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, आप बोलोगे इंट्रा प्लूरल प्रेशर में चेंज की वजह से होगा। आप समझो, इतना समझो, रेस्टिंग कंडीशन में -4 mm Hg, -4 कैसे निकाला, मैंने बताया था बेटा कि नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 760 पर, ये नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है, पर प्लूरल मेम्ब्रेन में प्रेशर कितना होगा, आप बोलोगे 756, तो 756 कितना अंतर आया, -4 का अंतर आया, मतलब 4 का अंतर आया, तो 4 का मतलब है माइनस में, आप समझ रहे हो, नहीं, एटमोस्फियर से कम है, -4 mm Hg, ये वो प्रेशर है जो अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है, कब तक रहता है, जब तक कि हम सर्वाइव कर रहे हैं। अब इस -4 को आप -6 कर दोगे तो बाहर की एयर और अंदर आ जाएगी, वापस -4 कर दोगे अंदर की एयर बाहर चली जाएगी, इसी को हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बोलते हैं। पर इसके साथ साथ कौन सा प्रेशर चेंज होता है, आप बोलोगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी चेंज होता था, कल मैंने आपको समझाया भी था, एक टेबल बना करके मैंने बोला था बेटा, मान लो इंट्रा प्लूरल प्रेशर और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तो रेस्टिंग कंडीशन में इंट्रा प्लूरल प्रेशर कितना होता है, आप बोलोगे 5 756 mm Hg, तो इंस्पिरेशन कब होगा, जब कितना कर दो इसको, आप कर दो 7 5 4 mm Hg,
जी मतलब -4 से क्या कर दिया, -6 कर दिया आपने, आप समझ गए ना मेरी बात। तो क्या होगा, एटमोस्फेरिक एयर अंदर आ जाएगी। तो ये आप चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पल्मोनरी का प्रेशर भी तो चेंज होगा, आप समझ गए। तो पल्मोनरी प्रेशर को कम कर दो, अप्रोक्सीमेटली इसको आप लिख सकते हो 7.58 भी लिख सकते हो, कई बुक्स में 8 भी दे रखा है, ठीक है मैं 7 लिख देता हूँ, 7 दे दिया है। नहीं 3 क्या कर दिया आपने, थोड़ा -3 कर दिया इसको। अब क्लियर है बिल्कुल, जब वो चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, क्लियर है बिल्कुल। अब क्या होगा, इनमें चेंज होने की वजह से बेटा बाहर की एयर कहाँ जाएगी, अंदर, इसी को तो बोलते हैं इंस्पिरेशन, समझ में आ गया था। अब क्या करना है एक्सपिरेशन, तो इसको वापस जहां था वहीं पहुंचाओ, यानी 7.56 पर पहुंचा दो। जब ये वहां था वहीं पहुंचेगा तो नो डाउट हमारे लंग्स के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं वॉल्यूम को कम करेगा, वॉल्यूम को ज्यादा कम कर देगा, कहीं तेजी से जब आएगा तो वॉल्यूम ज्यादा कम होगा, तो वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, 7 भाई 7.60 नॉर्मल था, तो आप बोल दोगे 7.6 अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस से प्लस कर दोगे 7.63 mmHg, यानी +3 कर दिया आपने, -3 से +3 कर दिया, तो प्रेशर जनरेट हुआ, और प्रेशर जनरेट होते ही इंटरनल एयर कहाँ जाएगी, बाहर। तो -3 से +3, पर ये +3 मेंटेन नहीं रहता है, +3 आते ही रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा, रिलैक्स कंडीशन क्या है 7.60, आप समझ गए ना मेरी बात। यानी आपने अगर धनुष की कमान को खींचा तो कमान को जब छोड़ोगे, आप समझ रहे हो, तो ये थोड़ा सा आगे तक जाएगी फिर वापस वहीं आ जाएगी, आप समझ गए ना मेरी बात। तो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा जो एक फोर्स जनरेट करेगा एयर को बाहर निकालने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा इंटरनल एयर बाहर, इसको क्या बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो ये मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी बेटा। तो इंट्रा पल्मोनरी सॉरी ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर का मतलब हो गया दोनों में डिफरेंस, ठीक है दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे 4 mmHg, दोनों का जो डिफरेंस है इसका और इसका दोनों कैविटी का डिफरेंस आ गया वही आ गया। तो आपको याद क्या रखना है, एक तो इंट्रा प्लूरल और एक इंट्रा पल्मोनरी याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है इतना तो पता भी होना चाहिए। और भाई इन एंड आउट हो रहा है तो प्रेशर में चेंज हो रहा है, तो कितना प्रेशर चेंज हो रहा है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, जो भी हमने बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ये सारी बातें सारी स्टैंडर्ड वैल्यू हमने नॉर्मल कंडीशन के लिए लेते हैं, सारी स्टैंडर्ड वैल्यू ओनली फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग, यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पिस्टन वाला कंसेप्ट याद रखना, पिस्टन को पीछे खींच रहे हो यानी इंट्रा प्लूरल प्रेशर में, भाई जो पिस्टन है वो इंट्रा प्लूरल मेम्ब्रेन है और अंदर उसकी कैविटी है वो इंट्रा पल्मोनरी कैविटी है, समझ गए ना मेरी बात। पिस्टन पीछे खींचा मतलब इंट्रा प्लूरल मेम्ब्रेन में पुलिंग फोर्स जनरेट किया, तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा यानी प्रेशर कम होगा, तो एडिशनल एयर का आ जाएगी अंदर आ जाएगी लंग्स के अंदर, फिर आपने उसको वापस तक वहीं कर दिया, पिस्टन को फोर्स जनरेट किया तो वॉल्यूम कम होगा यानी इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इंटरनल एयर बाहर। तो ध्यान रखना है -6 -4 -6 -4 प्लूरल मेम्ब्रेन में चेंज आता है, -3 +3 -3 +3 जो चेंज आता है वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर में चेंज आता है। तो मुझे लगता नहीं है कहीं कोई डाउट होगा, इसको मैंने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया था, कल बताया था कि रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है जब इंस्पिरेशन एटमोस्फेरिक एयर अंदर आएगी तब क्या होगा प्रेशर दोनों का, ये होगा। जब प्रेशर आप ये कर दोगे, इसको तो वापस जहां था वहीं पहुंचा दिया आपने, ठीक है इसको बढ़ा दिया, तो इंटरनल एयर कहां जाएगी बेटा बाहर आएगी, इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। तो मुझे लगता नहीं है कहीं कोई डाउट होगा, कल हमने इतना करा दिया था, ये लास्ट वाला पॉइंट ऐसा था जो बच्चों को अक्सर कर डिस्कस करते हैं मुझसे, तो मुझे अच्छे से समझाना था। अब मुझे लगता नहीं है कहीं कोई डाउट होगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ोगे नहीं। आज हमें चालू करना था बेटा टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग, तो यहां से हम चालू करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग से, ठीक है समझने की कोशिश करना, ये जनरल टर्म्स हैं। ब्रीथिंग की बात करते हैं, आपने सुना होगा भी एब्डोमिनल ब्रीथिंग, थोरेसिक ब्रीथिंग, लोग कहते भी हैं कि थोरेसिक ब्रीथिंग करनी चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत बेटर होती है, ठीक है क्योंकि तो हम जानते हैं भाई हम जो नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है बेटा, नॉर्मल रूटीन लाइफ, इसमें हम 70 to 80% समझना 70 to 80% अनकॉन्सियस ब्रीदिंग करते हैं, मतलब आप सोच समझ के तो ब्रीदिंग कर ही नहीं रहे हो ना, ऑटोमेटिकली चल रही है। नॉर्मल जो लोग होते हैं वो एब्डोमिनल ब्रीथिंग करते हैं, एब्डोमिनल का मतलब है डायफ्राम मसल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है जब डायफ्राम मसल्स को यूज करेंगे तो मैं समझाता हूँ, डायग्राम देखना। देखो अक्सर कर लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, गलत है ये, करते क्या है वो अपने डायफ्राम मसल्स को यूज कर रहे हैं। डायफ्राम कैसा है अभी, तो बाहर अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करता हूँ, इनहेल की बात करता हूँ, तो एयर अंदर कब आएगी, डायफ्राम डोम शेप से कैसा हो जाए, जैसे डोम शेप है ये,
शिप से कैसे फ्लैट, अगर डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाहर की एयर कहाँ आएगी, अंदर आएगी, वापस डॉम शेप हो जाएगा तो अंदर की एयर कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। और यहां पर ये ह्यूमन जो हम दिखा रहे हैं ये क्या करा रहा है, ये ओनली एब्डोमिनल मसल्स को यूज कर रहा है, तो एब्डोमिनल मसल्स को नॉर्मल करेगा, पेट निकाल लेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डायफ्राम अपने आप नीचे आ जाएगा। जब इस पर प्रेशर डालेगा, इसको अंदर करेगा, समझना मेरी बात, इसको अंदर करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम भी कम होगा, ये डॉम शेप चला जाएगा, एयर बाहर। तो अक्सर कर आप भी ध्यान रखना अपने ऊपर कि आप अक्सर कर एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे होते हो। अगर एब्डोमिनल कैविटी, समझना, इसका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, किसका, एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, इंटरकोस्टल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, इसको बोलते हैं कौन सी ब्रीथिंग बेटा, आप बोल सकते हो एब्डोमिनल ब्रीथिंग या डायफ्राम ब्रीथिंग, समझना मेरी बात। यहां पर एब्डोमिनल मसल्स की बात नहीं आ रही, बच्चे कंफ्यूज क्यों होंगे, सर वो एब्डोमिनल मसल्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, हां उसकी बात नहीं आ रही, यहां हम डायफ्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। थोरेसिक कैविटी में हाथ रखोगे, यहां कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा, कैविटी आपकी वहीं की वहीं है, पेट आपका धीरे धीरे इन डायफ्राम के थ्रू आपकी ब्रीथिंग हो रही है, आपकी थोरेसिक कैविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी आपकी रिब्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी इंटरकोस्टल मसल्स में आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे बेटा, सिर्फ डायफ्राम का यूज करके अगर आप ब्रीथिंग करते हो तो एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम हल्का हल्का बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग। एक बार समझ में आ गया, एब्डोमिनल ब्रीथिंग में आप ओनली सिंगल मसल्स यूज कर रहे हो, कौन से मसल्स यूज कर रहे हो, डायफ्राम मसल्स, और आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में जो भी आप 24 आवर का जो टाइम होता है आपकी रिदम होती है उसमें 70-80% आप इन्हीं मसल्स को यूज करते हो, मतलब मोस्टली इन्हीं को, यानी आप मतलब इनको ही यूज करते, इनको ही का मतलब है आप इंटरकोस्टल मसल्स का यूटिलाइजेशन नहीं करते हो, ऐसे ऐसे बोलना ज्यादा बेटर है कि आप 70-80% जो ब्रीथिंग करते हो अपनी पूरे टाइम के अंदर, नॉर्मल ब्रीथिंग की बात कर रहा हूँ ये, मैं फोर्सफुल ब्रीथिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल इंसान जब नॉर्मल ब्रीथिंग करता है इसमें वो दौड़ता भागता नहीं है, नॉर्मल पड़ा हुआ है रेस्ट कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में, तो रेस्टिंग कंडीशन में आप 70-80% समझ रहे हो, आप दोनों मसल्स में से किसका यूज कर रहे हो, आप बोलोगे डायफ्राम मसल्स का यूज कर रहे हैं, डायफ्राम मसल्स का तो यूज हर बार होगा बट इंटरकोस्टल मसल्स का यूज ध्यान रखना है। अगर आप इंटरकोस्टल मसल्स का यूज नहीं कर रहे हो, ओनली और ओनली डायफ्राम मसल्स का यूज कर रहे हो ओनली, तो उसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग या डायफ्राम ब्रीथिंग, सिंपल सा सिंपल कंसेप्ट, एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओनली और ओनली फ्रेनिक मसल्स या डायफ्राम मसल, तो क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है बेटा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स उसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक ब्रीथिंग। बस एक कंसेप्ट, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज तो दोनों मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्या बोलते हैं उसको, थोरेसिक ब्रीथिंग। और एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज मोस्टली कौन इन्वॉल्व करेंगे, मोस्टली क्या ओनली डायफ्राम मसल्स इन्वॉल्व करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डायफ्राम ब्रीथिंग या एब्डोमिनल ब्रीथिंग। तो एब्डोमिनल टर्म लग गया यानी डायफ्राम टर्म लग गया तो ओनली डायफ्राम मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, बट अगर थोरेसिक टर्म लग गया तो इसमें क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा, इसमें दोनों टाइप के मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी तो कहते हैं कि थोरेसिक ब्रीथिंग करनी चाहिए, तभी तो सुबह उठ के अनुलोम विलोम करना बताया जाता है। तो अनुलोम विलोम आप कॉन्शियस होके करते हो, कॉन्शियस होके कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स दोनों का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, और आपको पता है भाई नेचर का कंसेप्ट है, जिसको आप ज्यादा यूटिलाइज करोगे तो वहां पर ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वहां पर बढ़ना चालू हो जाएगी, यानी उन मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप होना चालू हो जाएगी। और ब्रीथिंग के लिए क्योंकि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो कोरोना टाइम के अंदर लंग्स की थोड़ा से कैविटी की स्ट्रेंथ पावर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसलिए अनुलोम विलोम या ब्रीथिंग प्रोसेस यानी इन दोनों टाइप के मसल्स का यूज करना बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हो ना, इसीलिए अनुलोम विलोम जो भी योगा जो क्रियाएं होती हैं इनको बताया जाता है, इसीलिए क्योंकि ये आपके लंग्स को आपकी स्ट्रेंथ को लंग्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। तो थोरेसिक ब्रीथिंग समझ में आ रही होगी, तो थोरेसिक ब्रीथिंग में क्या हो रहा है, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल ब्रीथिंग। अब ध्यान से देखना डायग्राम, यहां क्या हो रहा है, इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है, मसल्स क्या कर रहे हैं यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, इंटरकोस्टल मसल्स। जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप जानते हो रिब्स
और स्टर्नम का क्या होगा, लिफ्ट अप होगा, ठीक है। रिप्स मूव करना चालू कर देंगे, रिप्स मूव कर रहे हैं, हाथ लगाओगे तो समझ जाओगे आप कौन सी ब्रीदिंग कर रहे हो, थोरेसिक। जब रिप्स मूव कर रहे हैं तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे नीचे ट्रेकिया, लंग्स, इंटरनल कैविटी दिख रही है ना ये। अब जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नो डाउट ये वॉल्यूम भी अंदर का क्या हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया। सीधी सी बात है, जब आप इंटरकोस्टल मसल्स को इन्वॉल्व करोगे अपनी ब्रीथिंग में तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंस्पिरेशन डिक्रीज होगा, एक्सपायरेशन। मेरी बात समझ गए? तो एक्स बता दिया है भाई, एयर को बाहर निकाल रहे हैं, मैकेनिज्म कैसी हो गई, पैसिव हो गई, क्योंकि दोनों की दोनों मसल्स कहाँ आ रहे हैं, रेस्टिंग कंडीशन पर आ रहे हैं, मसल्स रिलैक्सेशन हो रहा है, तो क्या हो गया बेटा, एक्सपायरेशन। तो इन और एक्सपायरेशन में अगर मैंने बताया कौन से मसल्स यूज कर रहे हो, दोनों डायफ्राम मसल्स तो यूज होंगे ही बेटा, डायफ्राम मसल्स को आप रोक नहीं सकते, ठीक है। ये डायफ्राम मसल्स डॉम शेप हो गए, ये डायफ्राम मसल्स फ्लैट हो गए, डॉम शेप हो गए, फ्लैट हो गए, समझ रहे हो ना मेरी बात। दोनों मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक ब्रीदिंग। थोरेसिक वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा बेटा, ओनली और ओनली एब्डोमिनल यानी नीचे वाला डायफ्राम से नीचे वाला वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, जो मैंने लास्ट वाले डायग्राम में समझाया है, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज, ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में बेटा ओनली डायफ्राम मसल्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है और थोरेसिक ब्रीदिंग के अंदर दोनों का यूटिलाइजेशन हो रहा है, मेनली इंटरकोस्टल मसल्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, आप समझ गए। तो पूरे जो 24 आर की रिदिम होती है उसमें आप इंटरकोस्टल यानी थोरेसिक ब्रीदिंग अप्रोक्सीमेटली आप कर लेते हो, अप्रोक्सीमेटली 22-25% तो आप ये करते हो, और अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 70-80% के आसपास हम बोल सकते हैं इसको, आप कौन सी कर लेते हो, सॉरी कौन सी करते हो, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हो। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप ज्यादा करते हो पर जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए थोरेसिक ब्रीदिंग है, तो इसकी परसेंटेज को कम करना चाहिए, इसकी परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा अगर करोगे तो नो डाउट आपके लंग्स, ठीक है, आपका थोरेसिक चैम्बर सब हेल्दी रहेंगे। तो दोनों ब्रीथिंग में अंतर समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने एक ही बात बोली है बेटा, ठीक है। जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो आप क्या बोलोगे, थोरेसिक ब्रीथिंग। एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग। एब्डोमिनल ब्रीथिंग के अंदर ओनली और ओनली डायफ्राम मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, पर थोरेसिक ब्रीदिंग में डायफ्राम एंड एक्सटर्नल या इंटरकोस्टल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। नॉर्मल रूटीन में जो आपकी साइकिल होती है, रिदमिक साइकिल, उसमें आप थोरेसिक ब्रीदिंग 20-25% ही करते हो, यानी इन मसल्स का इन्वॉल्वमेंट कम होता है आपका, ठीक है। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग मैक्सिमम करते हो, आप खुद ही कौन अपना कॉन्शियस होकर चेक करना कि आप कितनी बार ऐसा ब्रीदिंग कर रहे हो जिसमें आपका थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, बहुत कम, ठीक है। तो दोनों ब्रीदिंग में आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, डायग्रामेटिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक भी देख सकते हो यहाँ पर, या इंक्रीज और डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ एब्डोमिनल कैविटी यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, क्या वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक से आपको हमेशा याद रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वेरी वेरी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी समझने का है, बहुत अच्छे से समझना उसको। सबसे पहले तो एनसीईआरटी एक लाइन ध्यान रखनी है आपको, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, ह्यूमन पर मिनट कितने टाइम ब्रीदे, से हम कहते हैं ना पर मिनट हमारी हार्ट रेट क्या है, आप जानते हो, ठीक है।
अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 टाइम के आसपास होती है, 70 से 75 यानी 72 अप्रोक्सीमेट लेके चल सकते हैं। ऐसे ही पर मिनट आप ब्रीथिंग नॉर्मल कंडीशन में ब्रीथिंग कितनी करते हो, ठीक है, आप बोलोगे 12 to 16 टाइम पर मिनट। ये टाइम आपको याद रखना है, तो क्वेश्चन काफी बनते हैं आगे में इसको यूज करने। एक हेल्दी ह्यूमन है वो पर मिनट 12 to 16 टाइम ब्रीथिंग करता ही करता है, पहली बात। अगर किसी के हमें पल्मोनरी, समझना मेरी बात, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी टर्म लगाते हैं लंग्स के लिए, तो लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। समझना मेरी बात, आपने देखा होगा डायग्राम में भी दिखा रखा है हमने, यहां स्पायरोमीटर को रिप्रेजेंट किया है हमने। ये ह्यूमन क्या कर रहा है, स्पायरोमीटर को माउथ में लगा रहा है। अब इस पारो में नोज को बंद करना होता है इसके अंदर, ध्यान रखना, यहाँ प्लगिंग कर देते हैं नोज के ऊपर, तो हम प्लगिंग कर देते हैं, नोज को प्लगिंग करना होगा। नोज को प्लगिंग करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम माउथ से यानी स्पायरोमीटर से जो एयर लेंगे, इन एंड आउट करेंगे, उसको मेजर करेंगे। समझ रहे हो, तो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है बेटा उसको क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। समझ गए मेरी बात, और जब हम मेजर करते हैं इसको तो हमारे मॉनिटर पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, इसको बोलते हैं स्पायरोग्राम। तो रिकॉर्ड जो हो रहा है वो किसकी फॉर्म में हो रहा है, स्पायरोग्राम की फॉर्म में हो रहा है, और हम इसको जो मेजर कर रहे हैं उसको मीटर को क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। तो दो बातों का ध्यान रखनी है कि जितने भी पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी हैं विच मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर एंड रिकॉर्डेड बाय स्पायरोग्राम, आपको दिखा रखा है मैंने। तो यहां हमने देखो मॉनिटर पर हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है आपके इनहेल और एक्सहेल का, ठीक है, ये दिखा रखा है हमने कि ये आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, आपसे कहा गया तेजी से सांस लो, ठीक है, तो आप मैक्सिमम जब तेजी से आप एयर को बाहर निकालोगे तो मैक्सिमम क्या कर रहे हो, आप एक्सहेल कर रहे हो एयर को, और आपसे कहेंगे एक्सहेल करने के बाद मैक्सिमम इनहेल करो, तो ये क्या हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा, फिर आप एक्सहेल करो, ये नॉर्मल आ गया, नॉर्मल ब्रीथिंग लो, तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे इन नॉर्मल ब्रीथिंग ड्यूरिंग मैक्सिमम, ठीक है, एक्सपायरेशन और या ड्यूरिंग मैक्सिमम इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसी को हमें मेजर करना होता है, जिससे हम अपने लंग्स की कैपेसिटी, अपने लंग्स के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। समझ रहे हो, और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस काफी है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है किस किस चीज की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, पर अलग अलग दे रखे हैं, बच्चे इसको कंपाइल नहीं कर पाते। ईसीजी, आप ईसीजी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, हार्ट की एक्टिविटी का, तो उससे भी उसकी भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं हार्ट में किस किस टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं। लंग्स के डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, इसका हम यूज कर सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी कितनी है कितनी नहीं है इसको यूज कर सकते हैं, आप समझ रहे ना मेरी बात। ऐसे ही हार्ट साउंड, उसकी भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंस किस किस की है, हार्ट जैसे हम ईसीजी का रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, हार्ट साउंड का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे ही हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इन सबकी कोई ना कोई क्लिनिकल असेसमेंट होती है, ठीक है, तो लिख भी दिया है यहाँ पर, विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। तो पल्मोनरी फंक्शन की क्लिनिकल असेसमेंट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। तो एक बात तो क्लियर हो गई बेटा कि स्पायरोमीटर क्या होता है, माउथ में लगाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक लैपटॉप से आपके मॉनिटर से कनेक्टेड होता है, नोज को प्लगिंग करना होता है क्योंकि एडिशनल एयर नहीं आनी चाहिए। अब स्पायरोमीटर से आप जो भी एयर इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ड्यूरिंग फोर्सफुल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो सब कहां पर मेजर होता है, आप बोलोगे मॉनिटर पर, किसके फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, इसको क्या बोलते हैं, स्पायरोग्राम। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई कि इसको मेजर करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या चीज यूज, अब समझना टोटल बहुत अच्छे से। यहां दो बातें बताऊंगा बेटा, एक तो लंग्स के वॉल्यूम, ठीक है, और लंग्स की कैपेसिटी, बहुत अच्छे से समझना, पहले वॉल्यूम की बात करेंगे फिर कैपेसिटी की बात करेंगे। वॉल्यूम है क्या, मैंने बताया हमने बीच में क्या बनाया हुआ है, स्पायरोग्राम, बस पूरा मैं समझाने वाला हूं यहां पर, पूरा फोकस करना, बीच में बनाया हुआ है हमने स्पायरोग्राम, ये क्या बता रहा है स्पायरोग्राम, इधर लिखे हमने लंग्स वॉल्यूम्स, और जो जगह बची हुई है यहां एक्सप्लेन करने वाले हैं लंग्स की कैपेसिटी। पहले तो मैं समझाऊंगा स्पायरोग्राम को, फिर वॉल्यूम को, और फिर लंग्स की कैपेसिटी को, अब एक एक करके समझना अच्छे से, ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर चीज एकदम क्लियर कट करके समझना, ठीक है। द
सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लंग्स के वॉल्यूम की, पहले स्पायरोग्राम समझो, ध्यान रखो ठीक है। जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, कौन सी ब्रीथिंग करते हो, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, तो देखो नॉर्मल ब्रीथिंग में आपका स्पायरोग्राम अप जाएगा डाउन जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं, जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो बेटा तो स्पायरोग्राम अप एंड डाउन, अभी नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो। जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो तो इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं टीवी, सबकी शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट फॉर्म पर आते हैं, टीवी टाइडल वॉल्यूम। तो अगर मैं टीवी की बात करता हूँ, टाइडल वॉल्यूम की बात करता हूँ, एनसीईआरटी का डेटा याद रखना है, क्योंकि और हम एडिशनल डेटा दे देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, एग्जैक्ट डेटा तो एनसीईआरटी का डेटा आपको दिमाग में रखना है ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। तो जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो बेटा तो कितना वॉल्यूम आप ले रहे हो और निकाल रहे हो लंग से, ये इस वॉल्यूम को आप इन और आउट कर रहे हो ठीक है। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया आपका, टाइडल वॉल्यूम हो गया, टीवी हो गया। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बेटा, टीवी इज इक्वल टू होता है 500 ml, यहां तक अगर ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होगा बेटा, तो टाइडल वॉल्यूम मैंने आपको समझाया, किसी बच्चे को टाइडल वॉल्यूम आता है तो वो टाइप भी कर सकता है, मतलब जो वॉल्यूम पूछूं अगर वो टाइप करके दिखा दोगे सामने तो मैं डिस्प्ले चेक कर लूंगा अगर आप एक्टिव होगे ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया होगा, टाइडल वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। तो जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो तो जिस वॉल्यूम को आप इन और आउट कर रहे हो और हम स्पायरोमीटर से मेजर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, टाइडल वॉल्यूम। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो टाइडल वॉल्यूम तो आपने इन कर लिया, अब मैं आगे बात कर रहा हूँ टाइडल की बात की ठीक है। तो अगर हम टाइडल की बात करते हैं तो टाइडल के बाद क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म देखेंगे इसकी आई आर पी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना। आईआरबी क्या होता है, इंस्पायरेटरी इन मतलब अंदर लेना, रिजर्व वॉल्यूम। अब क्या है इसकी समझते हैं डेफिनेशन, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल का मतलब है टाइडल के बाद, यहां मैंने एरो खींच दिया, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल ले लिया आपने, अब टाइडल के बाद आप एडिशनल कितना वॉल्यूम फोर्सफुली अपने लंग्स में ले सकते हो, समझना मेरी बात, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, ये मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी यहां तक ले लिया, समझ गया ना। तो समझ गए होगे आप भाई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद आप फोर्सफुली अपने लंग्स में जो वॉल्यूम एयर का ले रहे हो बेटा वो क्या है, आई आर वी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर से बोल रहा हूं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसको, आई आर वी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम आपने लिया फोर्सफुली आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, समझना। तो आप बोलोगे आई आर वी इज इक्वल टू होता है बेटा 2500 to 3000 ml, एनसीईआरटी का डेटा आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आईआरवी की बात करता हूं, इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल लेने के बाद आप फोर्सफुली जो लंग्स में लेके आ रहे हो उसको बोलते हैं आईआरवी, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो आईआरवी आप निकाल दो, निकाल दिया आपने आईआरवी, जहां थे वहीं आ गए, आईआरवी निकालते जा रहे हो आप, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपने निकाल दिया, ये टाइटल भी निकाल दिया आपने, ये टाइटल भी निकाल दिया। अब टाइटल के बाद की बात कर रहा हूं, समझना, अब बात कर रहा हूं मैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म होती है क्या होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, ई आर पी। अब समझना ईआरबी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल का मतलब है, फिर से एडिशनल का मतलब है टाइडल के बाद, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल को निकालने के बाद बेटा, टाइडल निकाल दिया, अब टाइडल के बाद आप एडिशनल वॉल्यूम कितना और रिलीज कर सकते हो अपनी थोरेसिक कैविटी से,
this is the additional volume of air which forcefully expire after tidal volume. इसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं ERV, expiratory reserve volume. फिर से बोल रहा हूं, additional volume of air which forcefully expire after tidal volume. टाइडल के बाद आप फोर्सफुली जो वॉल्यूम एक्सपायर कर रहे हो, निकाल रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. कितना होता है? आप बोलोगे 1000 से 1100 ml. अब यहां तक आपको बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना. मैं सारे बच्चों से बोल रहा हूं, जो भी सीरियस बच्चे हैं, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो आता है, ठीक है, ठीक है, आता ही लगभग लगभग मिलता है इस पे क्वेश्चन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आज मैं सारे सारे वॉल्यूम और कैपेसिटी कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा आपको, पूरा क्लियर कंप्लीट करा के सेट करा के तब छोड़ूंगा. तो सबसे पहले मैंने बोला टाइडल वॉल्यूम, फिर से बोल रहा हूँ टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर इनहेल या एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग. जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो तो आप जो वॉल्यूम इन एंड आउट कर रहे हो बेटा, इसको टीवी बोलते हैं. कितना होता है? 500 ml. ये आपकी टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है. अगर हम बोलते हैं आईआरवी यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनका मतलब अंदर लेना वाला, ठीक है, एक्स का मतलब बाहर निकालने वाला. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर से बोल रहा हूं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल, टाइडल के बाद. ध्यान रखना, टाइडल को नहीं जोड़ेंगे इसके अंदर. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, क्या बोलते हैं उसको? आईआरवी. तो कितना होता है? 2500 से 3000 ml. ऐसे में ईआरवी की बात करूं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करूं, फिर से बोलूंगा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर, बहुत बढ़िया बेटा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, तो क्या बोलते हैं? ईआरवी. बस मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो एकदम अलर्ट हो, बिल्कुल वास्तव में पढ़ना चाहते हो, प्यास हो पढ़ाई की उनके अंदर, मजा आ जाएगा, मैं भी दम लगा दूंगा पूरी. बट बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनमें पढ़ाई की प्यास हो, ठीक है. तो क्या होता है बेटा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब ध्यान रखना कितना होगा, आप बोलोगे 1000 से 1100 ml, ठीक है. अब बताती है किसकी? रेजिडुअल. रेजिडुअल मैं समझाया था, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर लंग, जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते. मैक्सिमम यहां तक निकाल दिया ना आपने, इसके बाद तो आप निकाल ही नहीं सकते, आपकी लिमिट हो गई. तो जो लंग्स में रहता है, निकाला नहीं जा सकता, समझना. वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, पूरी दम से आपने एक्सपायरेशन कर दिया फिर भी लंग्स में रह गया, जो रह गया वो कौन है बेटा? आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम. तभी तो इसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते. रेजिडुअल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम है जो लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो उसको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते. कितना होता है बेटा? रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1100 से 1200 ml. तो फोर वॉल्यूम मैंने बता दिया बेटा, ठीक है. जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, कैसी ब्रीथिंग करते हो? नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो. तो नॉर्मल ब्रीथिंग में आप जो एयर इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, समझना, उसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम. और टाइडल वॉल्यूम के बाद एडिशनल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद एडिशनल वॉल्यूम आप जो इंस्पायर कर रहे हो आईआरवी, जो 2500 से 3000 ml. और टाइडल वॉल्यूम के बाद एडिशनल वॉल्यूम जो आप एक्सपायर कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना टाइडल के बाद इन और टाइडल के बाद ही एक्स. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, क्या बोलेंगे उसको? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. 1000 से 1100 होता है, तो रेजिडुअल कैसे याद रखोगे? 1100 से 1200 याद भी रहेगा. 1000 टू 1100 एंड रेजिडुअल 1100 टू 1200. और रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर. आप जानते हो क्यों अंदर रह गया? ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, माइनस 4 mmHg. ये प्रेशर हमेशा इसको होल्ड करके रखेगा लंग्स में, इसको निकलने नहीं देगा. यानी बर्थ से डेथ तक ये प्रेशर मेंटेन रहता है, मींस ये वॉल्यूम भी मेंटेन रहता है, ठीक है. और आफ्टर डेथ ये वॉल्यूम नहीं होता, आप समझ रहे हो ना मेरी बात. तभी तो कई केसों में क्वेश्चन आपने आपने शायद लगाया होगा, नहीं लगाया हो तो समझना, एक बच्चे का बर्थ होता है, ठीक है,
पर जो बर्थ हुआ वो कैसा हुआ बच्चा, उसकी डेथ मतलब वो मतलब स्टिल बर्थ मिली, मतलब बच्चा डेथ था, मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी। तो अब आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे की डेथ बर्थ होने के बाद हुई या बर्थ से पहले ही हो गई थी, यानी कहीं मिस्टेक डॉक्टर की है या क्या है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि डेथ का जो मेन टाइम है बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ, आप किसके बेस पे डिसाइड करोगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर बेबी का बर्थ बाद में हुआ है, समझना मेरी बात, तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्रिएट हो गया होगा उसमें, समझना मेरी बात, तो उसका शेप अलग मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और अगर उसकी डेथ बर्थ से पहले इंटरनल यूटरस में ही हो चुकी है तो रेजिडुअल वॉल्यूम वहां पर क्रिएट नहीं हुआ होगा, आप समझ गए ना मेरी बात। जैसे एक बैलून है, उस बैलून को एक बार आप फुला लो और आप एक फ्रेश बैलून बैलून है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये एक बार यूज हो चुका है और ये फ्रेश है, अभी यूज नहीं हुआ। तो आप इसके बेस पर अगर रेजिडुअल वॉल्यूम उसमें जनरेट हो जाएगा, यानी बच्चे का जन्म हुआ तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्रिएट होगा, और रेजिडुअल वॉल्यूम क्रिएट होगा समझना, उसके बाद डेथ हुई है तो हम समझ जाएंगे डेथ आफ्टर बर्थ हुई है, और रेजिडुअल वॉल्यूम क्रिएट ही नहीं हुआ यानी बच्चे की डेथ यूट्रस में ही हो चुकी थी, आप समझ गए ना। तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सुपर सुपर बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बताऊंगा आपको, ठीक है, बस समझते जाना अच्छे से। तो मैंने चार वॉल्यूम यानी फोर वॉल्यूम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। नंबर वन बताया मैंने IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नंबर टू बताया मैंने बेटा आपको टाइडल वॉल्यूम, नंबर थ्री बताया मैंने आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और नंबर फोर बताया रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो ऑलवेज लंग्स में रहता है बर्थ से डेथ तक, ठीक है। क्यों रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिडुअल वॉल्यूम, आप बोलोगे नेगेटिव प्रेशर। कौन सा नेगेटिव प्रेशर, कितना नेगेटिव प्रेशर, आप बोलोगे -4 mmHg। कौन मेंटेन कर रहा है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, समझ में आ गया होगा प्रेशर की वजह से। कितना इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है, आप बोलोगे 7.56, यानी नॉर्मल से 5, नॉर्मल से 4 कम, यानी -4 mmHg। ये वैक्यूम मेंटेन करता है और उसको फिल करने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में मेंटेन रहती है, जो इस प्रेशर को मेंटेन रखती है, आप समझ रहे हो, मतलब इस इसको वॉल्यूम को मेंटेन रखती है। कौन सा वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। कितना होता है, 1100 to 1200। तो ये कंसेप्ट तो मुझे लगता है सारे बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। बस ध्यान रखना है कि टाइडल नॉर्मल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीदिंग में इन एंड आउट कर रहे हो, और टाइडल के बाद एडिशनल फोर्सफुली जो इन कर रहे हो IRV, टाइडल के बाद फोर्सफुली जो बाहर निकाल रहे हो एक्सपायरेशन कर रहे हो, वो क्या हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और जो रह जाता है लंग्स में इसको हम निकाल नहीं सकते, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी नहीं निकाल सकते बेटा, ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर लंग्स, रेजिडुअल वॉल्यूम ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। तो ये कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे चारों वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम आप जानते हो, अगर आपसे पूछे कैपेसिटी आप निकाल पाओगे, आप समझना, मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा। लंग्स कैपेसिटी, अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी के मतलब हो गया क्षमता, भाई कितनी क्षमता है आपके लंग्स में एयर को इन करने की, आउट करने की, होल्ड करने की, समझ रहे हो ना, उन सब को हम बोलते हैं क्षमता, कैपेसिटी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इधर हमने वॉल्यूम्स को एक्सप्लेन कर दिया, ये स्पायरोग्राम आपके समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है, जो हर चीज रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। अब हम बताने वाले हैं आपको कैपेसिटी, आपके लंग्स की क्षमता कितनी है इन और आउट करने की, अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपसे कहूं, एक मिनट, देखो ध्यान समझना, अगर मैं इस एरो को यहां से यहां तक, ये पूरा समझने की कोशिश करना बेटा, ये पूरी लाइन यहां से यहां इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, समझना मेरी बात, क्या बोलेंगे,
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अब तो मैं वही लिख रहा हूं, मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी शॉर्ट में बोलते हैं आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आईसी। पहले बात करते हो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी की, यानी आपके लंग्स की इंस्पायर करने की कैपेसिटी क्या है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आई सी। देखो एक बात ध्यान रखना, हम जितनी भी कैपेसिटी मेजर करेंगे, स्पेशली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसके लिए आपको नॉर्मल कंडीशन पर आना पड़ेगा, मींस टाइडल वॉल्यूम पर आना पड़ेगा, यानी टाइडल के बाद आप इसको मेजर करना, समझ, टाइडल से मेजर करना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं बेटा आप लंग्स में कितनी एयर होल्ड कर सकते हो, तो आप टाइडल नॉर्मल पे आओगे आप, पहले जो कहोगे सर हम टाइडल ले सकते हैं और टाइडल के बाद आईआर भी लंग्स में होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर, समझना मेरी बात, कौन कौन सा वॉल्यूम जो आप लंग्स में होल्ड कर सकते हो, आप टू वॉल्यूम यानी टीवी, समझ रहे हो, यहां से यहां तक तो टीवी हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया आईआरबी, तो ये आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। तो मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करता हूं बेटा, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई आपकी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर टीवी प्लस आईआरबी, तो टीवी और आईआरबी को मिला देते हैं तो ये आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। ध्यान रखना है आपको कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी लंग्स में इनहेल करने की कैपेसिटी, तो पहले नॉर्मल कंडीशन पर लंग्स के लाओगे यानी टाइडल, तो टाइडल लोगे आप और टाइडल के बाद आईआरबी लोगे, इसके अलावा कुछ और ले सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट लिमिट आपकी आईआरबी है, तो ये आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई, लंग्स में एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी। अब बात आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, समझना, अगर मैं आपसे कहूं फिर वापस टाइडल पर आना पड़ेगा, टाइडल पर आकर के फिर नीचे आओगे, ये टाइडल पर आकर के नीचे आ गए, नीचे टाइडल पर आकर के आप नीचे आ गए, अगर मैं आपसे कहूं बेटा आपके लंग्स की एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, ई सी। तो आपके लंग्स की एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो वापस कहां आओगे आप, टाइडल वॉल्यूम पर आओगे, तो आप कहोगे सर टाइडल निकाल सकते हैं और ईआरवी निकाल सकते हैं, तो मैं कहूंगा बेटा इसके बाद भी कुछ और एक्सपायर कर सकते हो, आप नहीं बेट सर, क्यों, क्योंकि सर अंदर बसता है रेजिडुअल, उसको हम निकाल नहीं सकते, तो आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, नॉर्मल से नॉर्मल आकर के तो आप नॉर्मल में टाइडल को निकाल सकते हो और ईआरवी को निकाल सकते हो, आरवी को निकाल नहीं सकते, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर टीवी प्लस ईआरवी। अब इनको भाई ऐड तो कर ही लोगे ना, टीवी आप जानते हो, या बस वॉल्यूम याद रखने हैं आपको, टीवी आप जानते हो कितना हो गया, टीवी 500 हो गया, आईआरबी कितना हो गया, कैपेसिटी निकाल रहे हो तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू काउंट करोगे, तो मैक्सिमम कितना है 3000, तो आईसी यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई, आप बोलोगे 3500, 35000, मेरी बात, 3500 यानी 3500। ये मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा सारे, पहले ट्रिक सीख जाओ कि ट्रिक है क्या, कैसे आपको याद रखना है, तो अभी दो ही कैपेसिटी बताइए बेटा मैंने आपको, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं हटाऊंगा यहाँ प्रेशर जो लिखा हुआ है, आप समझना, अब दो कैपेसिटी समझ में आ गई, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अब हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी, आप समझना, यहां से लेते हैं सीधा एरो नीचे तक आएगा ये,
दिस इज अ वाइटल कैपेसिटी। समझा रहा हूँ एक चीज समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे से, अब कंसेप्ट बनेंगे सारे, ये दो तो सिंपल है ठीक है याद रहेंगे आपको, अब कंसेप्ट बनने चालूंगे यहां से। अब हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी, वाइटल तो शॉर्ट में बोलते हैं वीसी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली, समझना मेरी बात है, इज विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। समझने की कोशिश करना बेटा, आपने एयर का वॉल्यूम फोर्सफुली इंस्पायर कर लिया, ये खींच के ऊपर तक ले गए मैक्सिमम। अब मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद आप मैक्सिमम जो एक्सपायर करोगे, मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद आप जो मैक्सिमम एक्सपायर करोगे वो क्या हो जाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी, या मैक्सिमम एक्सपायर करने के बाद आप जो मैक्सिमम इंस्पायर करोगे क्या हो गई वाइटल कैपेसिटी। यानी वाइटल कैपेसिटी के अंदर कितने वॉल्यूम आ जाएंगे, 3 वॉल्यूम आ जाएंगे, कौन कौन से, टीवी आ जाएगा, आई आर वी आ जाएगा, और बेटा ई आर बी आ जाएगा। समझना, यानी वो वॉल्यूम जो फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद आप फोर्सफुली एक्सपायर करो, ये ऐसे बोल सकते हो फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद फोर्सफुली इंस्पायर करो, तो 3 वॉल्यूम, यानी आप देखोगे यहाँ ये कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें कितने वॉल्यूम आ रहे हैं, यानी फोर्सफुली आपने इन कर लिया तो फोर्सफुली आउट कहां करोगे, नीचे, तो इन और आउट के बीच में कितने वॉल्यूम आ गए, 3 वॉल्यूम आ गए, आई आर वी आ गया बेटा, टी वी आ गया और ई आर वी आ गया। तो ये वाइटल कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी जो वाइटलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन मैक्सिमम इन एंड मैक्सिमम आउट, मैक्सिमम इन करने के बाद मैक्सिमम आउट या मैक्सिमम आउट करने के बाद मैक्सिमम इन, तो 3 वॉल्यूम्स काउंट होते हैं इसके अंदर, इसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं बेटा। तो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू आप बोलोगे टीवी प्लस आई आरवी प्लस ई आर वी, तीनों को अगर जोड़ दोगे तो ये आपकी वाइटल कैपेसिटी हो गई, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, या वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली ठीक है इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल, फोर्सफुली एक्सपायर कर दो ठीक है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, या समझ लो एक्सपायर करने के बाद इंस्पायर कर लो फोर्सफुली, मेरी बात समझ गए ना, यानी मैक्सिमम इन एंड मैक्सिमम आउट, मैक्सिमम इन करने के बाद जो मैक्सिमम आउट करोगे या मैक्सिमम आउट करने के बाद जो मैक्सिमम इन करोगे, तो 3 वॉल्यूम काउंट होंगे इसके अंदर, आईआरबी टीवी और ईआरवी, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी हो गई। तो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू वीसी टीवी आईआरबी और ईआरवी। एक और पूछूंगा मैं आपसे, चलो अभी इसके बाद ही पूछूंगा, एक छोड़ देता हूँ वाइटल कैपेसिटी करके, इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम चलते हैं, कितने हो गए हमारे, 3 हो गए कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटी है जिसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये समझने का है, इसमें बच्चे अक्सर पूछते हैं इसलिए मैं पहले अलर्ट कर रहा हूँ, ये समझने का है, यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। तो ये यहां से हम काउंट करेंगे और यहां समझना अच्छे से, ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं एफआरसी, बहुत क्वेश्चन आता है एफआरसी पर, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है पर एफआरसी पर भी आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वाइटल कैपेसिटी और एफआरसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट में काउंट होंगे बेटा, वो था इन पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं ठीक है। तो अगर मैं वाइटल कैपेसिटी की बात करता हूँ तो समझ में आ गया आपको अच्छे से, वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, समझना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, अब समझना सब कुछ समझ में आ रहा होगा, फंक्शनल यानी आप ब्रीथिंग करते रहो, रेजिडुअल लंग्स में होल्ड करने की कैपेसिटी, डॉटर बोलते हैं इसको एफ आर सी, तो एफ आर सी कितनी होगी, आप समझना, अगर मैं आपसे कहूँ आप ब्रीथिंग करते रहो, तो ब्रीथिंग करते रहोगे तो आप क्या 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 कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो, टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो, तो लंग्स में आप किस किस एयर को होल्ड कर पा रहे हो ब्रीथिंग करते हुए, आप कहोगे सर
हम टाइडल ही निकाल रहे हैं, मतलब ईआरबी तो नहीं निकाल रहे, तो ईआरबी तो आपके लंग्स में ही रह गया ना, यानी ईआरबी आपके लंग्स में है, यानी यहां से यहां तक ईआरबी आपके लंग्स में ही है बेटा, समझ गए ना मेरी बात। और आरबी तो आप निकाल ही नहीं सकते, तो ये नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए आप कितनी ईयर को लंग्स में होल्ड कर पा रहे हो, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए यानी फंक्शनल रहते हुए। तो आप कहोगे सर फंक्शनल रहते हुए हम टीबी ले रहे हैं और टीबी ही निकाल रहे हैं, मीन्स हम ईआरबी नहीं निकाल रहे, मीन्स ईआरबी हमारे लंग्स में है और आरवी तो ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर लंग्स। तो एफआरसी क्या हो गई, तो एफआरसी इज इक्वल टू, आप बोलोगे एफआरसी इज इक्वल टू ई आर वी प्लस आरवी, यानी एफआरसी में कितने वॉल्यूम आ गए, दो वॉल्यूम आ गए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तब बाहर आएगा जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करोगे। और मैंने क्या बोला, फंक्शनल रहो यानी टाइडल लो और टाइडल निकालो, यानी टाइडल इन और टाइडल आउट करते हुए आप लंग्स में जो होल्ड कर रहे हो बेटा वो फंक्शनल। रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब है लंग्स में होल्ड करना, रहने की कैपेसिटी, यानी आपसे कहा जाए कि आपकी एफआरसी कितनी है, यानी आप लंग्स में कितना एयर रोक पाते हो, तब नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए, नहीं टाइडल निकाल ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए, तब हम बात करेंगे। वैसे तो आप चारों वॉल्यूम रोक लोगे लंग्स में फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद, पर हमने क्या लगा दिया आगे, फंक्शनल यानी आपको ब्रीथिंग करनी है, यानी टाइडल वॉल्यूम लेना है और टाइडल ही निकालना है, तो दो वॉल्यूम लोअर वाले दो वॉल्यूम आप लंग्स में होल्ड करके रखे हुए हो बेटा, तो ये आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर पाओगे नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए, समझ गए ना मेरी बात। तो एफ आर सी इज इक्वल टू ERV प्लस RV, आप समझ गए होगे, FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। इसको और भी तरीके से पूछा जा सकता है, छोड़ देता हूं थोड़ा सा, और कैसे हम पूछ सकते हैं FRC को, अभी मैंने एक लाइन और छोड़ दी। अब एक लास्ट में बता रहा हूं, समझना, यहां जगह है यहां लिख देते हैं, यानी यहां से टोटल नीचे तक, नीचे तक आ जाओ बिल्कुल, ये आपके लंग्स की टोटल कैपेसिटी है, बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, ये टीएलसी शॉर्ट में बोल देंगे, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, टीएलसी। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, पर इनडायरेक्ट किसमें ही बनता है क्वेश्चन, ध्यान रखना इनडायरेक्ट बनता है, कैसे बनता है समझाता हूं। तो टोटल लंग कैपेसिटी तो समझ ही गए होगे, चारों जोड़ दो उसके अंदर, भाई टीएलसी इक्वल टू क्या होगा, टी एल सी इक्वल टू आप समझ जाओगे टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी, चारों को जोड़ दोगे इसको हम टीवी बोल देंगे, परंतु तो ऐसे भी तो ले सकते हैं, समझना मेरी बात, ऐसे हो सकते हैं भाई, भाई वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ऊपर वाले तीन हो गए प्लस नीचे क्या हो गया, आप बोल दोगे सर रेजिडुअल वॉल्यूम, तो एक ही तो बात है, अगर वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दूंगा तो भी तो टीएलसी हो गई बेटा, समझ रहे हो भाई, ऊपर वाले तीन वाइटल कैपेसिटी और लास्ट में बचा हुआ नीचे वाला रेजिडुअल, तो चारों आ गए, चारों के मिलने से टीएलसी बनती है, तो ऐसे की बजाय वो ऐसे भी पूछ सकता है कभी भी। तो ये क्वेश्चन आएगा कि वीसी प्लस आरवी इज इक्वल टू, ऑप्शन चार होंगे तो क्या लगा क्या होगा, टीएलसी, या ऐसे भी पूछ सकता है, समझना मेरी बात, ऐसे भी क्वेश्चन बनाएगा अगर वो आपसे कहे कि ऊपर वाले दो नीचे वाले दो, यानी आईसी यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, समझना, यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में ऊपर वाले दो और एफआरसी में नीचे वाले दो, तो चारों हो गए ना, आईसी प्लस एफआरसी इज इक्वल टू भी तो क्या हो गया, टीएलसी। क्वेश्चन आएगा आईसी प्लस एफ आर सी इज इक्वल टू, आपके चार ऑप्शन होंगे तो क्या लगा के आने वाले हो आप, टीएलसी, बीसी प्लस आर वी इज इक्वल टू टीएलसी, या आईसी प्लस एफ आर सी इज इक्वल टू टीएलसी, या चारों को जोड़ दोगे अलग अलग तो भी टीएलसी, आप समझ रहे होगे मेरी बात, कैसे भी पूछेगा बात टीएलसी की है। अब देखो जैसे एफ आर सी की बात मैंने की थी अभी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एक तरीका तो क्या है, नीचे वाले दोनों को जोड़ दो, ये एफ आर सी हो गया, आप समझ में आ गया होगा। अब हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं एफआरसी को, मैं चारों वॉल्यूम में से ऊपर वाला वॉल्यूम दो घटा दूं, यानी ऐसे तो बोल सकता हूं मैं, टी एल सी माइनस एफ आर सी, भाई टीएलसी मतलब चारों वॉल्यूम उसमें से नीचे की अगर मैं, सॉरी टीएलसी माइनस आईसी,
टीएलसी माइनस समझना आईसी, चारों में से अगर दो ऊपर के हटा दूं बेटा, यानी आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हटा दूं, तो क्या बनेगा? एफआरसी, नीचे के दो रह जाएंगे ना। ये पूछने के तरीके हैं, आप तभी तो कहते हैं इन कैपेसिटी को समझना होगा, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, प्लस और माइनस का खेल है, आपकी अवेयरनेस का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी क्या होती है, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए लंग्स में होल्ड करने की कैपेसिटी, जिसमें दो एयर आपके लंग्स में होल्ड रह सकते हैं, ईआरबी प्लस आरबी, तो एफआरसी हो गई। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, चारों में से अगर ऊपर वाले दो हटा देंगे तो नीचे वाले दो ही तो बचेंगे, तो इसको मैं ऐसे भी ले सकते हैं टीएलसी माइनस आईसी। जैसे टोटल लंग कैपेसिटी को हम कैसे कैसे ले सकते हैं, बीसी माइनस सॉरी बीसी प्लस आरवी या आईसी प्लस एफआरसी, एक ही बात है, तभी चारों हो जाएंगे। एफआरसी में नीचे के दो आते हैं तो चारों में से दो ऊपर के हटा दो तो नीचे के दो आ गए, ऐसे हो गए। जैसे वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं आपसे कहूं टोटल लंग कैपेसिटी में से ओनली रेजिडुअल वॉल्यूम हटा दो, टोटल लंग कैपेसिटी में से ओनली रेजिडुअल वॉल्यूम हटा दो, तो कितने बचेंगे, अपर थ्री रह जाएंगे, वो क्या हो गई आपकी वाइटल कैपेसिटी। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा करके वो पूछेगा और आपको कंफ्यूज करेगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर कट रहना है बेटा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अब मैं चारों को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी एयर को लंग्स में लेने की कैपेसिटी, कहां से मेजर करेंगे, टीवी से। जितनी भी कैपेसिटी होंगी इन और आउट, ये वाइटल इन और आउट यानी इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी, इनको मेजर करते हैं टाइडल वॉल्यूम से। तो अमाउंट भाई वॉल्यूम ऑफ एयर कहां से, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी, इनको जोड़ दोगे क्या बन जाएगी आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, क्लियर है। और टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी यानी वो कैपेसिटी है जो आप बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम को तो निकाल ही नहीं सकते। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब हो गया एयर को इनहेल करने की कैपेसिटी, तो इनहेल करने की कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। तो नॉर्मल से काउंट करेंगे, ध्यान रखना नॉर्मल से आप लंग्स में कितनी एयर ले सकते हो नॉर्मल रहते हुए, तो नॉर्मल का मतलब है टाइडल पर आ गया, तो नॉर्मल ब्रीथिंग करोगे देन आईआरवी करोगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ले सकते। ऐसी मैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की पूछूंगा, नंबर टू, ये हो गया नंबर वन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आप समझ में आ गया होगा, कलर चेंज करते हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी समझ में आ गया होगा आपको कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, एकदम क्लियर कट होगा। ऐसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, ये निकालने की क्षमता हो गई। अगर आपसे वाइटल कैपेसिटी पूछेगा तो आप बोलोगे मैक्सिमम इन करने के बाद मैक्सिमम आउट, या मैक्सिमम आउट करने के बाद मैक्सिमम इन, तो इसमें थ्री वॉल्यूम आएंगे, कौन कौन से आएंगे भाई, आप मैक्सिमम इन करो या मैक्सिमम आउट करो, थ्री वॉल्यूम ही आप ले रहे हो निकाल रहे हो, क्या क्या, टीवी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी। पर इनडायरेक्टली आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे भी पूछ सकता है कि टीएलसी में से आरवी निकाल दिया जाए तो कौन सी कैपेसिटी बचती है, आप जानते हो टीएलसी में चारों आ गए और नीचे वाला एक आरबी निकाल दोगे तो ऊपर वाले तीन बचेंगे, यानी बीसी वाइटल कैपेसिटी बचती है। तो ऐसे भी पूछेगा तब भी आप समझ गए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, ठीक है। ऐसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल का मतलब ब्रीथिंग करते हुए, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए, नॉर्मल ब्रीथिंग का मतलब है टाइडल वॉल्यूम को आप ले रहे हो और टाइडल वॉल्यूम को आप निकाल रहे हो, तो टाइडल वॉल्यूम लेते हुए टाइडल निकालते हुए आप लंग्स में कितनी एयर होल्ड कर सकते हो, भाई टीबी को ले रहे हो टीबी को निकाल रहे हो, टीबी के अलावा आप ईआरबी को तो नहीं निकाल रहे ना, और आरबी तो निकाल ही नहीं सकते, तो आप टीबी लेकर के टीबी निकालते हुए आप दो टाइप के वॉल्यूम को लंग्स में होल्ड कर पा रहे हो, ईआरबी और आरबी, क्योंकि ईआरबी तो तब निकालोगे जब टीबी के बाद फोर्सफुली निकालोगे, और आरबी तो निकलती नहीं है, पर आप फोर्सफुली नहीं निकाल रहे, आप तो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए टीबी को निकाल रहे हो, तो ईआरबी आपके लंग्स में है और आरबी तो हमेशा रहती ही है। तो आप ध्यान रखना है कि एफआरसी इज इक्वल टू ईआरबी, ईआरबी प्लस आरबी, तो ये क्या हो गई, नीचे वाले दो को मिला देंगे तो आपकी एफआरसी हो गई। पर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर चारों में से यानी टीएलसी में से ऊपर वाले दो यानी आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को निकाल देंगे तब भी तो एफआरसी ही बचेगा, ऐसे भी पूछ सकता है। ऐसे ही टोटल लंग कैपेसिटी में चारों को जोड़ दोगे, ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी होगी, चारों को जोड़ दोगे। पर ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर वाइटल कैपेसिटी जो ऊपर के तीन है इसमें नीचे का एक रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे बेटा, तो कौन सी कैपेसिटी बनेगी, आप समझ जाओगे। पहले
टीएलसी बन गई, वाइटल कैपेसिटी में तीन वॉल्यूम आ गए और आरबी में चौथा आ गया, टीएलसी बन गई। या ऐसे भी पूछ सकता है आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ऊपर के दो हो गए और एफआरसी नीचे के दो हो गए, तो आईसी यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में एफआरसी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, भाई चारों वॉल्यूम हो गए, इनडायरेक्टली पूछ लिया उसने, आईसी ऊपर के दो एफआरसी नीचे के दो, तो टोटल चारों के मिलके क्या बन गया, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। तो मुझे लगता नहीं है कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन रहेगा, तो ये सारे टाइप के कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिए बेटा इस डायग्राम से, ठीक है। वॉल्यूम आपको याद रखने हैं, कैपेसिटी तो अपने आप याद हो जाएंगे, वॉल्यूम भी याद हो जाएंगे, भाई टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीथिंग में इन एंड आउट कर रहे हो 500 के अलावा आप कितना ले सकते हो, वो आपकी आई आर भी हो गई 3000, 500 के अलावा कितना निकाल सकते हो 1000 से 1100 या आपकी ई आर भी हो गई। जो लंग्स में रहता है ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर नहीं निकाला जा सकता, रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 टू 1200, बस चार याद रखने। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी इनहेल करने की कैपेसिटी कहां से मेजर करोगे, टीवी से, तो टीवी प्लस आई आर बी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहां से मेजर करोगे, टीवी से, तो टीवी प्लस ई आर बी, सिंपल। वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम इन मैक्सिमम आउट, तो मैक्सिमम इन से मैक्सिमम आउट या मैक्सिमम आउट से मैक्सिमम इन, कितने वॉल्यूम आ रहे हैं, ओनली 3, टीवी आई आर बी ई आर बी, समझ में आ गया। एफ आर सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी फंक्शनल ब्रीथिंग करते हुए यानी टाइडल वॉल्यूम लेके टाइडल वॉल्यूम निकालते हुए कितनी एयर को रेजिडुअल कैपेसिटी रोकने की क्षमता, समझ रहे हो, रोकने की जो क्षमता होगी कैसे निकालोगे, आप समझ गए कि सर अगर हम समझना भाई टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं टाइडल निकाल रहे हैं तो हम अपने लंग्स में दो वॉल्यूम को मेंटेन कर रहे हैं, कौन कौन सा, ई आर बी प्लस आर बी, तो ई आर बी प्लस आर बी इज इक्वल टू एफ आर सी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि चारों में से ऊपर के दो निकाल दो यानी टीएलसी में से आईसी निकाल दो तो भी तो एफ आर सी बचेगी, टोटल लंग कैपेसिटी चारों को जोड़ दो, या ऊपर के तीन में इसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, नीचे का एक यानी रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दो तो भी टीएलसी हो जाएगी, या आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ऊपर के दो और एफआरसी नीचे के दो इन दोनों को जोड़ दोगे तो भी तो टीएलसी ही हो जाएगी। यानी यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके बेटा। अब आगे चल रहे हैं, यानी हमारे लंग्स वॉल्यूम भी हो गए और कैपेसिटी भी हो गए, यानी एकदम कंसेप्ट बहुत अच्छे से सेट हो गए होंगे ब्रेन में, तो मुझे लगता है आपको अच्छे बच्चे होंगे तो उनको याद भी हो गया होगा। अब इसी को मैंने एनसीईआरटी की लाइनों का एक्सप्लेन किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से आता है। पहले मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, तो पहला वॉल्यूम कौन सा था बेटा, टाइडल वॉल्यूम, समझना मेरी बात, फिर से बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन या ब्रीथिंग, जो कितना होता है 500 ml, समझ रहे ना मेरी बात, इसको क्या बोलते हैं हम, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml, ये आपको याद रहेगा पहली बार। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी। अगर आपसे पूछे कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, समझना, पल्मोनरी मतलब हो गया लंग्स, पल्मोनरी माने लंग्स, या एनसीईआरटी की लाइन है पर मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, और वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, भाई एयर का आना और जाना, यानी आप लंग से कितना एयर इन और आउट कर रहे हैं पर मिनट, इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, समझ रहे हो। फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला समझ गए कि पर मिनट जो एयर आप इन एंड आउट कर रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग वो क्या हो गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो कैसे निकालोगे, समझना, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट आ गया मतलब टाइम आ गया, यानी एक मिनट में कितने बार ब्रीथिंग कर रहे हो, और एक बार में जो आप इन एंड आउट कर रहे हो क्या बोलेंगे इसको, टीवी। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसे निकालोगे, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो आप, मैं बता चुका हूं कितना होता है 12 टू 16 टाइम पर मिनट, और टाइडल वॉल्यूम में बता चुका हूं कितना होता है 500, यानी एक बार में आप इन एंड आउट जो कर रहे हो वो टाइडल वॉल्यूम कर रहे हो, और एक मिनट में कितने बार टाइडल वॉल्यूम इन एंड आउट कर रहे हो 12 टू 16 टाइम, तो लंग्स में, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या हो गया, आप इसका इंटू करोगे तो कितना बैठेगा 6000 टू 8000 ml, आप समझ गए होगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 8000 ml, तो यही लिखा हुआ है, अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर या एक्सपायर कुछ भी अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, कितना पर मिनट, टाइम आ गया,
इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पर पूछेगा कैसे, एनसीईआरटी की लाइन को ऐसे पूछेगा, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर फॉर्मूला तो हमने पता ही नहीं है। पर फॉर्मूला क्या है भाई, पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, वेंटिलेशन का मतलब है लंग से पर मिनट एयर का आना और जाना, और रेट ऑफ ब्रीदिंग हम जानते हैं, इन टू टीवी कर दो, रेट ऑफ ब्रीदिंग हमें पता है 12 टू 16 टाइम होता है, और टीवी हमें पता है 500, तो कितना बैठेगा वही 6000 टू 8000 ml, या कभी कभी वो लीटर में भी देगा, आप ऐसे बोल सकते हो 6 टू 8 लीटर पर मिनट। मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा, कैसे भी पूछेगा तो आप बता पाओगे, कैसे भी पूछेगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन पूछे, समझ रहे हो ना मेरी बात, या फॉर्मूला पूछे, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड टाइडल वॉल्यूम। तो ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। तो यहां तक एकदम क्लियर कट हो गया आपको कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, बताई चुका हूं, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर या एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन, जो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो अप्रोक्स इतना होता है 500 ml। और अगर आपसे पल्मोनरी वेंटिलेशन पूछे, यानी पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स से जो वेंटिलेशन हो रहा है यानी एयर का आना और जाना पर मिनट, इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। तो पीवी इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रीथिंग इनटू टाइडल वॉल्यूम, वो आपको एकदम समझ में आ गया। एमएल में पूछे तब भी आप बता पाओगे, लीटर में पूछे तब भी आप बता पाओगे। तो यहां तक मुझे लगता नहीं है किसी को कोई डाउट है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकेंड वॉल्यूम कौन सा बताया था मैंने, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, समझाया था मैंने, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी एयर का एडिशनल वॉल्यूम। अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, क्या एडिशनल वॉल्यूम ऑफ, एडिशनल का मतलब है आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, क्या बोलते हैं उसको, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है, याद भी करा दिया मैंने, 2500 से लेकर के 3000 ml। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल का मतलब है आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, समझ गए, कितना होता है 1000 से 1100 ml। तो आपको ERVB ध्यान है, आपको रेजिडुअल वॉल्यूम मैं समझा चुका हूं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। आगे लिख देते हैं, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर ये निकल नहीं सकता, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम निकलता नहीं है, ये लंग्स को मेंटेन करके रखता है। कितना होता है भाई, 1000 से 11, तो ध्यान रखना है आपको 11 से 1200 ml। आप समझ गए ना, ये इट इज अप्रोक्सीमेटली डेटा एन एन एवरेज, ठीक है, जो एनसीईआरटी का डेटा, मैं याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी के डेटा पर ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, नीट के बेस पर हम पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि ये डेटा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। स्मोकर्स की मैं बात करता हूँ, जो स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें डेटा नहीं बैठेगा, समझ रहे हो, तो उनके लंग्स की कैपेसिटी कम होती है। तो ऐसे ही किसी को अगर इन्फ्लामेशन हो रखा है, किसी को एलर्जी कंडीशंस हैं, तो सबके केस में अलग अलग होते हैं, बट इट इज अ स्टैंडर्ड डेटा जो एवरेज पॉपुलेशन में निकाला जाता है हेल्दी ह्यूमन के केस में, ये आपको याद रखना है। अब एक वॉल्यूम और बताऊंगा मैं आपको, ये समझाऊंगा, ये एडिशनल वॉल्यूम है, इस पर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसको याद रखना बहुत जरूरी है, डेड स्पेस वॉल्यूम। क्वेश्चन कैसे बनता है समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर मैं डेड स्पेस वॉल्यूम की बात करता हूं, तो होता कितना है, यानी डीएसवी कितना होता है, डी एस पी इज इक्वल टू 150 ml। कैसे निकाला हमने डीएसवी 150 ml, अब समझने की कोशिश करना बेटा। ये पूरा का पूरा इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, समझना, इस ट्रैक को हमने कितनी जोन में डिवाइड किया है, 2 जोन में डिवाइड किया है भाई। ऊपर वाली जोन क्या थी, कंडक्टिंग जोन, और नीचे वाली जोन क्या थी, रेस्पिरेटरी जोन। कहां तक, जब तक कि इसके अंदर क्या ना आ जाए, क्या ना आ जाए, एल्वियोलर सैक, जिनमें लगे होते हैं एल्वियोलाई, समझना। ऊपर वाली जोन क्या हो गई, कंडक्टिंग जोन,
वाली क्या हो गई, रेस्पिरेटरी जो। तो एक बात तो समझना बेटा, अब क्या कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। अब इसकी हम बात करते हैं, ये नॉर्मल ब्रीथिंग में किस वॉल्यूम को इन एंड आउट करने वाला है, टाइडल वॉल्यूम को। कितना होता है 500 ml, ये इसको क्या करेगा, इन करेगा और इसको आउट करेगा टीवी को, समझना। तो टीवी कहां जाएगा, पूरे ट्रैक में जाएगा, समझना। कुछ टीवी तो रह जाएगा इसका कंडक्टिंग जोन में, 500 में से 150 तो रह गया ml कंडक्टिंग जोन में, और रेस्पिरेटरी जोन बड़ी नीचे ब्रॉड होता है थोड़ा, तो यह कितना पहुंचेगा 350 ml। तो एक्चुअल में जो वॉल्यूम रेस्पिरेटरी जोन में पहुंचेगा उसका क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहां से डिफ्यूजन पॉसिबल है। बट कंडक्टिंग जोन में जो वॉल्यूम पहुंचेगा बेटा, इसका डिफ्यूजन नहीं होगा, आप समझ रहे हो। ये वो वॉल्यूम है जो कंडक्टिंग जोन में ही रहता है, जो डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो क्या बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, यानी जिसका डिफ्यूजन में पार्टिसिपेशन नहीं है। हर बार आप 500 ml लोगे तो इस ट्रैक में 150 ml ऑलवेज रह जाएगा, जिसका डिफ्यूजन में वो नीचे तक, समझ गए ना मेरी बात, डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, यानी इस ट्रैक में उतना तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया डेड स्पेस वॉल्यूम। तो डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन कंडक्टिंग जोन, समझ रहे हो ना मेरी बात, ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के टाइम पर जो कंडक्टिंग जोन में रह जाता है बेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो क्या है डेड स्पेस वॉल्यूम। कितना होता है 150, अब भूलोगे नहीं आप। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, टीवी, टीवी कितना होता है 500, 500 में से रेस्पिरेटरी जोन में कितना पहुंचा 350, तो कंडक्टिंग जोन में कितना रह गया 150। जो कंडक्टिंग जोन में रह गया, जिसका वेंटिलेशन में पार्टिसिपेशन ही नहीं है, सॉरी जिसका डिफ्यूजन में पार्टिसिपेशन ही नहीं है, क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि व्हाट इज डेड स्पेस वॉल्यूम, तो इसके बेस पर हम बहुत सारी चीजें निकालने वाले हैं। एक लास्ट में कुछ चीजें और बची हुई हैं, वो समझा देता हूं मैं। पल्मोनरी कैपेसिटी समझो, समझा चुका हूं मैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, समझना, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीवी प्लस आईआरबी। तो आप समझते हो कि आईसी, ये आपको याद रखना है, आईसी इक्वल टू टीवी कितना होता है 500 और आईआरबी कितना होता है, आप बोलोगे 3000 मैक्सिमम वैल्यू, काउंट करो कितना बैठेगा 3500, आप समझ गए ना। तो ये याद इजीली रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताया था मैंने, इसमें आप क्या करोगे टीवी प्लस ईआरबी, तो टीवी आप जानते हो 500 और ईआरबी आप जानते हो 1100 मैक्सिमम वैल्यू लेंगे इसके अंदर, कितना हो गया, आप बोलोगे 6600 ml। क्लियर है, बिल्कुल दोनों वॉल्यूम क्लियर है, कैपेसिटी में करा चुका हूं। अब नेक्स्ट कैपेसिटी क्या थी, ये थोड़ा मैं फिर समझा देता हूं इसको एक बार, क्योंकि यहां पर बच्चा कंफ्यूज करता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल का मतलब है ब्रीथिंग करते हुए, भाई ब्रीथिंग आप कर रहे हो तो टाइडल वॉल्यूम आप ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो, टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो, भाई टाइडल के बाद क्या क्या होता है नीचे, भाई टीवी, ये तो टीवी हो गया, टीवी, टीवी के अलावा और क्या होता है नीचे, आप बोलोगे वॉल्यूम होता है, और क्या होता है नीचे, आप बोलोगे रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, यानी टाइडल लेकर के टाइडल ही निकाल रहे हो, तो क्या आप लंग्स में होल्ड कर रहे हो, आप कहोगे सर ईआरबी हम लंग्स में होल्ड कर रहे हैं, वो तो निकाल ही नहीं रहे, और आरबी तो आप लंग्स में होल्ड करते ही हो, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपकी रेसिडुअल कैपेसिटी हो गई ड्यूरिंग फंक्शनल, मेरी बात समझ रहे हो। यानी आप बोलोगे कि एफआरसी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफआरसी इज इक्वल टू आप बोलोगे ईआरबी प्लस आरबी, ईआरबी आप जानते हो कितना हो गया मैक्सिमम वैल्यू 1100, तो आरबी कितना हो गया आप जानते हो 1200, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई 2300 ml, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए इसके अंदर, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, समझ गए ना मेरी बात। तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं बेटा, जैसे ऊपर एक वॉल्यूम और था आईआरबी, समझना मेरी बात, ये क्या था आईआरबी, चारों को मिलाने से क्या बनता है टीवी, अगर टीवी में से मैं ऊपर के दो हटा दूं, ऊपर के दो क्या थे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टीवी में से टीवी सॉरी टीएलसी, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी में से माइनस कर दूं आईसी, तो क्या बचेगा, तो ये दो ये तो बचेगा एफआरसी, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम कि एफआरसी इज इक्वल टू, एफआरसी इज इक्वल टू
लंग कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तब भी तो क्या निकल के आएगा, एफआरसी ही निकल के आएगा ना, तो ये पूछा जा सकता है एडिशनल पॉइंट। अब आपको एकदम क्लियर कट हो गया होगा कि एफआरसी है क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इन एंड आउट, सॉरी नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए लंग्स में एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी एफआरसी, समझ में आ गया होगा। ऐसी वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। भाई मानो चार वॉल्यूम है, ए एडल वॉल्यूम हो गया, ये तो रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकते, तो क्या कर रहा है, ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया आपने, यानी यहां पर आ गया इसके, ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन यहां कर दिया आपने। अब आप कितना वॉल्यूम इन कर सकते हो, आप सबसे पहले क्या लोगे, ईआरबी, फिर क्या लोगे, टीवी, उसके बाद क्या लोगे, आईआरबी, यानी इन तीन वॉल्यूम को आप इंस्पायर करने की क्षमता रखते हो, या मैक्सिमम इन करने के बाद मैक्सिमम कितना आउट कर सकते हो, बात एक ही है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, या दिस इंक्लूड क्या क्या हो जाएगा, ईआरबी, टीबी और आईआरबी, या ऐसे भी बोल सकते हैं द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी आप मैक्सिमम इन करके मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, या मैक्सिमम निकालने के बाद कितना मैक्सिमम ले सकते हो, तो तीन ही तो वॉल्यूम आ रहे हैं बेटा इसके अंदर, थ्री वॉल्यूम कौन कौन से आ रहे हैं, टीवी आ रहा है, आईआरबी आ रहा है और ईआरबी आ रहा है, तो तीनों को जोड़ दोगे बेटा तो क्या आ जाएगा आपकी वाइटल कैपेसिटी, और ये तो आपको याद ही है, टीवी आप जानते हैं 500, आईआरबी आ जाते 3000, ईआरबी जानते 1100, कितना हो गया 4600 ml। और इसको ऐसे भी पूछ सकता है, मैं समझाया था एक एडिशनल तरीका, कि अगर आपसे कहे कि टोटल, समझना, टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल दो तो क्या बचेगा, भाई इन चारों में से अगर नीचे वाला निकाल दोगे आप तो तीन ही तो बचेंगे बेटा ऊपर वाले, यानी टीएलसी में से अगर आरबी निकाल दोगे तो वाइटल कैपेसिटी बचेगी। ये ऐसे पूछा जाता है, मतलब थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, बट आप फिर भी कर पाओगे, क्लियर है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी समझाई चुका हूं मैं, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, एकोमोडेट इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड चारों जोड़ दो, आर बी, ई आर बी, टी बी एंड आई आर बी, या इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी में अगर रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे बेटा तो वाइटल कैपेसिटी में तीनों आ गए, पास पे रेजिडुअल वॉल्यूम तब भी तो चारों होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं आईसी में एफआरसी जोड़ दो, भाई आईसी कौन से थे, जैसे चार वॉल्यूम थे, समझ ना मेरी बात, आप समझ गए ना, चारों थे ये ऐसे, भाई ऊपर वाले दोनों वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नीचे वाले वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एफआरसी, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो अभी क्या बन गया, टोटल लंग कैपेसिटी, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, तो ऐसे आए तभी ध्यान रखना है, ऐसे आए तभी ध्यान रखना है, और जो नॉर्मल तरीका है चारों को जोड़ने वाला ऐसे तब भी एक ध्यान रखना है, कितना होगा, जब चारों को आप जोड़ोगे बेटा तो कितना आएगा, 5800 ml, लीटर में पूछेगा तो ऐसे भी पूछ सकता है, 5.8 लीटर, एक ही बात है, तो ये 5 मैंने वॉल्यूम बताया आपको, 5 ही मैंने आपको कैपेसिटी बताए, ये 10 के 10 आपके टिप्स पर हो जाने चाहिए मुझे लगता है। बस एक एडिशनल पॉइंट और है, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो लास्ट ये फॉर्मूला और देखो क्या है, और कंफ्यूजन कहाँ होगा, जैसे मैंने आपको एल्वुलर, सॉरी पल्मोनरी वेंटिलेशन बताया था टाइडल वॉल्यूम के साथ, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, वेंटिलेशन का मतलब होता है इन एंड आउट एयर पर मिनट, यानी पर मिनट आपके लंग से जो एयर इन एंड आउट हो रही है उसको पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलेंगे, बट अगर जरा सा चेंज कर दे वो पल्मोनरी की जगह क्या कर दे बेटा, एल्वियोलर वेंटिलेशन, तो एल्वियोलर वेंटिलेशन की मतलब है वो रेस्पिरेटरी जोन में पूछना चाह रहा है कि रेस्पिरेटरी जोन में पर मिनट कितना एयर इन एंड आउट हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे भाई, एल्वियोलर वेंटिलेशन इक्वल टू, ये तो कॉमन वही लगेगा, रेट ऑफ ब्रीथिंग कितना होता है 12 to 16 टाइम पर मिनट इनटू, अब रेस्पिरेटरी जोन आप जानते हो कितना होता है रेस्पिरेटरी जोन में 350, रिमेनिंग कहाँ होता है डेड स्पेस, तो कैसे निकालोगे, तो 350 को निकालने के लिए क्या तरीका है, टीवी, टीवी कितना होता है 500 माइनस डीएसबी कितना होता है 150, तो कितना निकल के आएगा, निकल के तो यही आएगा 350, बट
फॉर्मूला पूछेगा तो ध्यान रखना है ये फॉर्मूला है, बात एक ही है, यानी लोअर पार्ट यानी रेस्पिरेटरी जोन में पर मिनट जो एयर आ रही है और जा रही है यानी जो वेंटिलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। जरा सा अंतर है और गलती होती है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी मतलब लंग्स, यानी लंग्स से पर मिनट इन एंड आउट, समझना। पल्मोनरी वेंटिलेशन, एल्वियोलर वेंटिलेशन यानी रेस्पिरेटरी जोन से पर मिनट इन एंड आउट। रेस्पिरेटरी जोन से निकालने के लिए टीवी में से आपको डेड स्पेस हटाना पड़ेगा, तो AV इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रीदिंग इनटू टीवी माइनस डीएसवी। ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको चारों वॉल्यूम चारों कैपेसिटी बहुत अच्छे से समझाया, सॉरी फाइव वॉल्यूम फाइव कैपेसिटी बहुत अच्छे से समझाया और एक एडिशनल एल्वियोलर वेंटिलेशन भी बताया मैंने। हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश की है, छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, छोटे बड़े सबको समझ में आएगा क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैंने कंसेप्चुअल आपको बताने की कोशिश की है बेटा। तो मुझे लगता है आपके समझ में भी आ गया होगा। कल हमारी फिर अगेन क्लास रहेगी, आज इतना ही रखेंगे। तो कल की क्लास में कोशिश करना कि इतना जितना मैंने करा दिया ये टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है। अब ये टिप्स पर होगा तभी हम आगे कनेक्ट कर पाएंगे और क्लासेस को, हर क्लास हमारी इंटरकनेक्टेड होगी, तो ठीक है कोशिश करना। तो बेटा अच्छे बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। तो बेटा यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कल हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी, सेम टाइम सब कुछ वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।